tu ora più.
जो बच्चे ऐसे हैं जो हमसे ये कह रहे हैं सर हम 2.0.2.1 में है या 2.2 में है, बट हम सीजीएल का प्लान करके आए थे और हम आपकी जो चीजें हैं वो नहीं समझ पाई या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और हम 2.0 में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब 2.0 में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पहले से और हमें अगर 2.0 में अगर एक्सेप्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी है आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो। ऐसा हम काफी बच्चों के साथ में सेट कर चुके कुछ टाइम पहले, तो जो भी बच्चा एक अभी मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं है कि क्या चीजें हमारे आप स्टूडेंट हो, आपका कोई भी नीड है आप हमें बताओ, हम डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। इवन कई बच्चों के साथ में ऐसा हुआ भी है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको ये लग रहा है कि सर हम तो सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट हमने 2.2 में एडमिशन ले लिया है अब हम क्या करें, कोई रास्ता बताइए यार, यहाँ के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है ना, तो बोलो फीस इतना ज्यादा ये है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, थोड़े बहुत पैसे से इवन स्टूडेंट के बीच में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, बोले सर हमने 2.0 ले लिया, हमें 2.2 ले लिया, डजंट मैटर। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर हमको 2.0 मिल जाएगा तो हम सीजन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा एग्जाम लगा हुआ है, मैसेज में या कॉल में हम आपको सेट कर देंगे, लेकिन जो काम है जो टारगेट है वो नहीं बोला, कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आप सारी चीजें देख सकते हो, बाकी जो प्रैक्टिस करेंगे मैं वो तो फिर अलग रहेगी रहेगी, क्लियर। तो ये चीज थी, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। आज कितने क्वेश्चन लगाने आपको 24 योग्य, अब इसको देखो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं यार, क्या मैं सभी क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकता हूँ टाइम किल करने के बजाय, क्या मैं सभी क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकता हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, डाटा चेंज करके आए हुए हैं, तो उसके अंदर इंटीग्रल एंगल बाइसेक्टर 110 से 55 हो जाएगा, आधा 90 में अगर 55 जोड़ेंगे 145 कहां पे है, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन को, यस और नो। अगर सेम टाइम क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर भाई नहीं कर सकते, हम मन बनाए और पहले से ही बैठ बजा कर दिए, बदल गए क्वेश्चन, मैं भी कह रहा हूँ इतना तो सेम नहीं रखा हमने, ठीक है टाइम पे हम लोगों ने सात सात आठ क्वेश्चन रखे हुए थे ना, तो ओके चलिए भाई, तो अब यहाँ से इसको कैसे करते हैं, एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी इक्वल टू 1/2 बीसी, बीसी की आधी है, एडी माध्यिका है, बीसी की आधी है, एक एंगल 30 डिग्री रखा है, एसीबी की वैल्यू आपसे पूछिए, एसीबी की वैल्यू आपसे पूछिए, एडी माध्यिका हो गई है, ये पॉइंट AD is equal to 1/2 BC. अब BC का अगर आधा है तो obviously ये माध्यिका भी बराबर होगी। अब आपको पता है कि अगर ये माध्यिका बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। इसके अलावा और क्या देखते हैं, BAD, BAD ये आपको देखा 30 डिग्री। मेरे हिसाब से तो आगे कहानी तो खुद ही कर लोगे, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। ACB, ACB और एंगल पूछा गया। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 इक्वल साइड है। और अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये बहिष्कोण से कितना हो जाएगा? 60। अगर 60 अगर ये हो गया और ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी 60-60 बन जाएंगे, हां या ना? रिक्वायर्ड एंगल विल बी 60 डिग्री। सवाल थोड़ा सा टाइम बताएंगे, आई थिंक कल के लेक्चर में दमदार सवाल मैं स्टार्ट देंगे आपके सामने, है ना? वो सवाल चाहिए जहां पे पसीना छूटे, करेक्ट ना? पर ये सवाल तो सर बच्चों वाले सवाल है, ये सवाल तो बच्चों वाले सवाल है। एक काम करते हैं, आज आपको होमवर्क दूंगा सभी को, आज आप सभी को होमवर्क दूंगा, है ना? जरूरी है होमवर्क दूंगा, तो टाइम हम लोग काफी ज्यादा सेव करेंगे और हम लोग बड़ा प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो होमवर्क दूंगा और मैक्सिमम लोग लाइव आने की कोशिश करना, और इनके अगर लाइव नहीं आ सकते तो जो भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं लग रहे हैं फिर व्हाट्सएप, तो जो आपके पार्टनर है जो साथ ही वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हमसे, तो क्या करेंगे वो भी समझेंगे सवाल लगाने के बाद। बी और सी के त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं, जी उनका प्रतिच्छेदन पॉइंट है, मतलब सेंट्रोइड है, ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है, खतरनाक चीज है, फिगर ड्रॉ कर लो यार, ए बी सी माध्यिकाएं हैं, बी ई सी एफ ये माध्यिकाएं मिड पॉइंट हो गई है, अब क्या होने वाला, जी ये मीटिंग पॉइंट है, ई एफ और ए जी, ई एफ ए जी इनका मीटिंग पॉइंट है ओ, इनका मीटिंग पॉइंट है ओ, तो आपसे क्या पूछा है कि AO और OG के बीच में रिलेशन बताइए, कितने लोग बता सकते हो, हम लोग काम कर चुके हैं इस चीज पर, हम लोग इस चीज पर काम कर चुके हैं, इक्विलेटरल बन जाएगा ये वाला बना लो, इक्विलेटरल क्या प्रॉब्लम, उन्होंने तो सवाल में नहीं बताया ना कि त्रिभुज कैसा है, बोला होता तो हम कुछ सोचते, जब नहीं बोला तो त्रिभुज इक्विलेटरल बना लो, फ्रीडम है ना तुम्हारे पास, ऐसा तो नहीं कि हर सवाल का हर कांसेप्ट से एक्सप्लेन करो, हर चीज को बताओ, आपने बोला सर इक्विलेटरल बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो, कांसेप्ट क्या बताया, वो सत्य त्रिभुज में कहीं पर भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वे अपोज कर रहे हो कि त्रिभुज इक्विलेटरल नहीं है, सकते डेफिनेटली बना सकते। अच्छा दूसरा तरीका, तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको है, दो तीन बार इसमें
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो ध्यान रखना था, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, एक बेस रेशियो हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका ए डी बी और सी एफ ऑप्शन डी जी पर मिलेंगे, माध्यिका ये जी पर मिलेंगे, त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन बताया, त्रिभुज हमारा हो गया इक्विलेटरल, त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन बताया, त्रिभुज हो गया इक्विलेटरल, इन्होंने आपसे क्या पूछा ए डी बी सी एफ, बताओ एक कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा सही होगा कोई बता सकता है, सवाल का ऑप्शन बता दो बस, कौन सा ऑप्शन करेगा, दिमाग खुला रखना, एक ऑप्शन ऐसा बनाया गया है जो आपको कंफ्यूज करेगा, मजा आ जाएगा, आप मजा आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक बार सब रिप्लाई करो, तो जो आप एक अपोलो नियस थ्योरम पढ़ाई गई थी ना, अजल गगरी छलकत जाए, ऐसा कुछ होता है ना, अपोलो नियस थ्योरम में ऐसा कुछ सीन बना था ना, जैसा लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ा 4 AD plus BE plus CF ग्रेटर देन जो कुछ भी 3 into अपोलो नियस थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने, आपको डी ऑप्शन आया भी है ना, संजना शेखर डी ऑप्शन आई भी है, अरे मैं पता था तुम्हारे कहते मारोगे, अब समझो तो इसको अपोलो नियस से रिलेट कर देना, ऑप्शन अपोलो नियस जैसे दिखाई पड़ा तो अपोलो नियस नहीं लगा, अपोलो नियस क्या सिखाया था कि 4 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस तरीके से अपोलो नियस था ना, तो वो और ये सेम नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, दैट मींस अपोलोनियस नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, हमारा काम इक्विलेटरल ट्रायंगल से चलेगा, एक साइड 6 है, इसकी मीडियन 3/3 है, सब सेम है, तीन तीन साइड है, तो हम सबको हटा के केवल सिंगल चीज को पकड़ लें, तो अगर AD इज ग्रेटर देन AB नॉट पॉसिबल, 2AD इज ग्रेटर देन AB, मतलब सर 2AD 6/3 इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन AB, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन पे चला जाओ, 3AD दैट इज इक्वल टू 9/3 और 4AB बराबर होगा, 2 तक बराबर नहीं होगा, 4AD दैट इज इक्वल टू 12/3, 3AB 18, ये 18 के बराबर हो जाएगा और ये आ जाएगा 12/3, तो शायद ये तो मैंने हरकत करी है, गलती है, तो ये गलती है ना, अब क्या जाएगा, ये तो भाई 6 रहा, तो भाई अपना लास्ट ऑप्शन तो फिर भी सही है, लास्ट ऑप्शन तो हमारा फिर से सही हो रहा है, 2AD और AB, अच्छा सवाल के बारे में और कुछ दिया, कुछ नहीं दिया है, क्या सही है, प्रेसर दो ऑप्शन करेक्ट है, यहां से दो ऑप्शन करेक्ट, अब आप सोचो भाई इन दोनों में से कौन सा एक ऐसा होगा जो हमेशा करेक्ट होगा, कोई इशू नहीं, उन्होंने दोनों ऑप्शन करेक्ट है, प्रेसर नहीं हमें तो एक ऑप्शन करेक्ट चाहिए, गलत, उन्होंने सवाल में कोई ट्रायंगल आइडेंटिफाई नहीं किया है, जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं देंगे तुम कुछ भी करो सब सही है, बात समझ में आ गई, तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यस और नो, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ई त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी का मध्य बिंदु, मतलब सवाल फिगर ड्रॉ करवाएगा, इतना पढ़ के समझ में आ जाता है कि सवाल में फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा या बिना फिगर ड्रॉ करके काम चल जाएगा, तो ए बी और सी माध्यिका एडी है और इसका मध्य बिंदु ई है, ये बराबर इसके, ये दोनों बराबर, BE को बढ़ाने पर ये IS बन जाता है, ऐसा कुछ है, BE को बढ़ाने पर AC को I पर काट रही है, BE को अगर बढ़ाते हैं तो AC को I पर काट रही है, ये E पॉइंट है, अब AB बराबर 18, AC बराबर 15, BC बराबर 20, मतलब 10 और 10, CI की लंबाई, ये आपसे पूछा जाए, ये आपसे पूछा जाए, बताओ बड़े कैसे पहुंचे, अब CI तक अगर पहुंचना है आपको तो आपको AI पे काम करना पड़ेगा, AI के बारे में ख्याल करो कि अरे क्या हो सकता है, AI 15 है, 18 है, 20 है, ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना ही आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, D3 ऐड करके हो जाएगा, देखते हैं अभी उसको, है ना, देखते हैं सर, समझ तुम्हारी बात को, अब फिर इसमें लगाएगा क्या लगाना चाहिए तो हमारा ये आंसर हो जाए, अब IC उन्होंने पूछा है, CI पूछा है, 15 है टोटल, तो भाई एक गया और दो गया, बचे तुम्हारे पास दो ऑप्शन, अगर टू फिगर पे काम कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि CI की वैल्यू 5 नहीं होगी, 10 पे करके भाग जाना, अगर एग्जाम में सवाल आया हुआ होता ये तरीका लगाओ भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं आगे काम करने की, भाई टोटल 15 है तो ना तो ये 15 हो सकती है ना 18 हो सकती है, ये सवाल दूसरी चीज दिखाई पड़ रही है कितना और ये कितना है, कौन सा ये तो बोलते हैं एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तब क्या करेंगे, अभी यहाँ पर क्या करना रहेगा, मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट को तो तुम फोकस कर रहे हो, हम कह रहे हैं इस मिड पॉइंट को भी फोकस कर ले, ये काम की चीज है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम फोकस नहीं कर रहे हैं और जब तक इस मिड पॉइंट को फोकस नहीं करेंगे काम रुक जाएगा, फोकस बताओ इस मिड पॉइंट पर और बताओ कि आगे क्या करना चाहिए, बस बता दिया हमने आगे बढ़ो, शेखर संजय संजना एक बार बताओ क्या करना चाहिए, मैं ई पर फोकस करो, रास्ता वहां से है, अगर ई पर फोकस करके रास्ता निकालिए, बस दो लाइन फिर बस रास्ता बस पता कर लो कौन सा है, कुछ आया कमेंट अभी तक नहीं आया, कहां से कैसे आगे बढ़े, यही तो कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर चीजें बदलती हैं, जहां पर तुम्हें चीजें सिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो इनको तो एटलीस्ट एक बार कैप्चर करो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, सीधी बात
अभी तक नहीं बताया यार, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? सर ई को एसी पर मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ई से एसी पर ई से एसी पर बाबू का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ई से एसी पर मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, समझ गया ना? चलो हम आपकी बात रख लेते हैं, हमने ये लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, अब इससे मिला क्या? तुम्हारा टारगेट है ये पता करना, क्या तुम यहां तक पहुंच पा रहे हो? ये तो थोड़ा सा और हम लोगों ने खतरनाक बना दिया, ये तो हम लोगों ने और खतरनाक बना दिया। देखो एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक बात समझो, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक बार उस इन्फॉर्मेशन को यूज करो। अभी तक जितना सोच रहे हो क्या आपने कहीं पर भी ये माध्यिका एडी मतलब ये मिड पॉइंट है इनको यूटिलाइज किया? बिल्कुल नहीं किया, करेक्ट ना? कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं किया। अच्छा ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है उसको यूटिलाइज किया? नहीं किया। ये मिड पॉइंट को यूटिलाइज करो, सवाल में दी गई इन्फॉर्मेशन को पहले यूटिलाइज करो, अगर फिर भी रास्ता ना मिले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, डेफिनेटली संजय तुम्हारी बात सही है, हम ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन पहले मिड पॉइंट को यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एडी की वैल्यू फाइंड आउट, एडी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे? ये तो कैलकुलेट करने का कोई तरीका, एडी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कीजिए? एक और बात बोल रहा हूं, फिर रास्ता बता रहा हूं, एडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉइंट, ठीक है, एडी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसने बताया एडी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? ओके अंजना, तो एडी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीडियन कब कैलकुलेट कर सकते हो? जब एंगल में कुछ सिमिलरिटी देखती हो, आइसोसेलेस एंगल की मीडियन कैसे कैलकुलेट करो? तो वो तो सीधे मेथड पे पहुंच जाएगा ना, यस सर? मैंने आपको बोला था ट्रायंगल के दो तीन कांसेप्ट मैंने बचा के रखे, सीधे कांसेप्ट हो गया, वहां से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहां पर सीधे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ना, ये अप्लाई करना है, अब बस ये चेक करो कैसे अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है, चेक करो अप्लाई कैसे करना है। अच्छा 2 into 80 और वो वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, चलो ठीक है, उससे आप वीडियो निकाल सकते हो, वीडियो निकालने के बाद फिर तुम्हारे सर आगे काफी कुछ पहुंच सकता है। चलो ठीक है, एक पॉइंट तो ये अच्छा निकाला, तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ी, तो हमने लगाया यहां से 18 का स्क्वायर, वीडियो निकालने के लिए 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस 10 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 18 के बदले 324 हो जाएगा और ये हो जाएगा 225, 324 इसका 225 इसका, तो 300 और 200 549 इक्वल टू 200 प्लस ट्वाइस 80 स्क्वायर, 200 इधर लेके आए, देखते ना कि 80 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस 300 इक्वल टू ट्वाइस 80 स्क्वायर, 2 से डिवाइड करो फिर 80 की वैल्यू निकालो, इसको हम लोग पता है देसी भाषा में क्या बोलते हैं, रायता, हेलो राइट ना? अब फिर सोचो लक्ष्य मृत टाइम तो लगेगा सिखाने के लिए, बैठो लगाओ क्या करना चाहिए, रास्ता बता चुका क्या लगेगा, अब अप्लाई आपको करना और कुछ नहीं, रेशियो लगेगा साइड में, रेशियो के अलावा और कुछ नहीं है, अब आपको रेशियो कैप्चर करना है कि सर कहां से कैप्चर किया जाए इस रेशियो को, इस रेशियो को आखिरकार हम कैप्चर करें तो करें कहां से? सिर्फ 2 लाइन का सवाल है, नहीं बताओगे तो फिर नहीं लगा रहा हूं, रास्ता बता दिया, अब लगाना आपको क्या लगाया जाए यहां पे, प्रिंट लगाओ थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया अगर आपको ये पैटर्न पढ़ाने का समझ में ना आ रहा तो मुझे बता दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा कर सकता हूं कि मैं सारे सवाल सिर्फ सॉल्व करता जाऊंगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि तुम्हारे सीखने के चांसेस कम रहेंगे, है ना? तो अभी मुझे ये बताओ कि यहां से आगे कैसे निकला जाए, ये वाला तरीका तो किसने बताया था, संजय ने और संजना ने, है ना? ये वाला तरीका तो कहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो गड़बड़ लग रहा है, अभी भी आप लोग मिड पॉइंट पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो वहां पे एक काम करो, पहले मतलब को सवाल की खिचड़ी बना दो, जिस रफ कॉपी में लगा लो ना लिख डालो जो लिखना है फिगर में, जो जैसी वैल्यू रखना चाहिए तेरी मेरी जो वैल्यू समझ में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या वैल्यू रख रहे हो क्या नहीं रख रहे हो, अब सॉल्व करो एक बार से। बताओ ना यार, समझ में आ रहा है हम बता रहे हैं बहुत देर हो गया, बट सोचो जब हमने आपको एक हिंट दे रखी है स्टार्टिंग ट्रायंगल, आगे क्या बोला इन्होंने, सुद्धि बोला ट्रायंगल बीडीई, बीडीई बात बनी बेटा सिमिलर टू ट्रायंगल ए है, तुम बोलो तुमको ये एंगल बराबर है इस एंगल के, आई एग्री, अब ये एंगल किसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर, बोले सर इसके बराबर होगा, वाई रिप्लाई आपके पास सुद्धि, मैंने एक चीज बोली ना ये क्वेश्चन साथ में रखो तो करेगा, दूसरी चीज क्या ये एंगल
इतना सिमिलर हो जाएगा इसके। अरे स्टेबिलिटी लगाओ, बोल चुका हूँ साफ साफ, क्योंकि पता है रस्ते पर नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे स्टेबिलिटी लगेगी। कैसे लगाई जाए? लगेगी तो मिड पॉइंट पर लगेगी, बाकी कहीं तो लग नहीं रही है। एक काम करते यार, एक काम कर सकते हैं, एक ये मिड पॉइंट है और एक ये मिड पॉइंट है, तो क्या इस मिड पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? दो बार सिमिलरिटी लगेगी, एक बार सिमिलरिटी लगेगी ट्रायंगल ए ई आई और ट्रायंगल ए डी जे, ये मिड पॉइंट है। और हमने चूंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डी पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो अगर ये पैरेलल है इसके और डी मिड पॉइंट है तो ये आई मिड पॉइंट होगा। आप कहोगे सर यहां से पॉइंट आ जाएगा ए आई इक्वल टू आई जे, इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes or no? अभी सिमिलरिटी सीखो, एमपीसी पे भी सिखा देंगे आपको। अभी सिमिलरिटी सीखो, क्योंकि सिमिलरिटी को इतना टाइम क्यों दिया? मैंने आपको पहले बोला था सिमिलरिटी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है अगर हम इसे यूज कर पाए। दूसरी चीज, अब अगर हमने दूसरे ट्रायंगल इस ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में लगाया, तो आपको पता है ये दोनों ये मिड पॉइंट हो गया और इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की थी, तो ये साइड बराबर हो जाएगी इस साइड के। अब आपको पता है ये पूरी 15 ये तीनों हिस्से आपस में बराबर है, इसका मतलब हर एक हिस्सा 5 5 5 आई से पूछा है 10 सेंटीमीटर आंसर। अब आपको किस तरीके से पॉइंट को उठाना है ये सोचना है हमें, है ना? सब सिखाएंगे लेकिन मेहनत करके। अब अगर इतना दिमाग ना बताते मैं सीधा बोल देता ये लाइन ड्रॉ की सिंगल वो सिंगल, थोड़ा टाइम होगा अभी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी टाइम ले लो, लेकिन सीख जाएंगे इससे हम। अगर आप लोग मेहनत करोगे नहीं सीखोगे, दिमाग ना लगाते सवाल कितनी देर तक लाइन खींचने की देखिए। मैं सिमिलरिटी बोल रहा हूं और बार बार बोलूं मिड पॉइंट पे फोकस करो, मिड पॉइंट को यूज करना है हमें, मिड पॉइंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उनको तो यूज करें हम कैसे भी करके, बस वही करते हैं। सवाल देखते हैं एबीसी त्रिभुज के माध्यम से डिग्री का मतलब ई माध्य एसी को एफ पर मिलाने के लिए बीई को मिलाकर बढ़ाया गया। ये तो पुरानी सवाल हो गया, है ना? तो एफ एसी को किस रेशियो में विभाजित करेगा अभी बताएं। बराबर 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 1:2 और एसी को डिवाइड करने की बात करें तो 1:2 पे कोई दिखाई पड़ा तो 2:1 पर। ये तो अभी लगाया हम लोगों ने, है ना? ये तो अभी लगाया, यही तो सेम सवाल था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अरे फिर हैंग कर गया यार, अरे फिर हैंग कर रहा है। यदि एबीसी एक संभावित त्रिभुज, चलो इसमें तो खुद ही सही बनके बोले तुम लोग संभावित हर बार लगा ही रहे हो, हम खुद ही बोलते हैं कि एबीसी एक संभावित त्रिभुज है। चलो ठीक है, तो काम करता हूं, ये संभावित त्रिभुज को तो हम लोग बराबर ही समझ के बैठे हैं, तो पी की बात है एबी बीसी और सी के मिड पॉइंट दर्शाते हैं, तो पी की बात एक संभावित त्रिभुज होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल सीधी बात है। फिर आगे क्या बोल रखे? अच्छा पहली ऑप्शन है पी की बात एक संभावित त्रिभुज होगा, सिंपल सी बात है। कैसे? अगर ये 6 थी पूरी, ये 3 3 3 इस तरीके से बढ़ जाएगा, नहीं एक बटेगा सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से, ये भी संभावित त्रिभुज। आगे तो हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई बाकी तो तीनों गलत ही ऑप्शन है। संभावित त्रिभुज को एज अ फॉर्मूला ठीक करके फायदा तो रहेगा। अब देखो एक संभावित त्रिभुज है, देख रहे हैं आपको एक त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जी केंद्रक है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो AG की लंबाई 2√3 का एज अ फॉर्मूला ठीक करना, 6 सेंटीमीटर की भुजा खुद ही रखी है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वही आंसर होगा। AG क्या है? बोले सर्कमरेडियस 2√3 और बोलोगे सही बोलोगे नहीं बोलो? त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, उसी की बात है। आगे तो त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी पढ़ाया हुआ है आपको। ABC G केंद्रक हो गया, GBC ये वाला क्षेत्रफल पूछा है, आपको बताया गया था 3 बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा 20, डी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि थकान बहुत ज्यादा है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, सोच रहा हूं मैं जल्दी सीट खत्म करूं और उसके बाद फिर आगे आपको थोड़ा सा होमवर्क दूं। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD पर G इस तरह से बिंदु की AG और GD 2:1, तो ये जी पॉइंट है क्या? ये जी पॉइंट है क्या? बोले AD एक माध्यिका है, समझ? AD एक माध्यिका है और जो जी पॉइंट है वो AG और GD 2:1 का इशू है। ये जी तो सेंट्रॉइड है, सिंपली बोल देते ना कि ये जी सेंट्रॉइड है, यस और नो? जी तो सेंट्रॉइड हो गया। अब क्या रहेगा? अभी मैंने आपसे पूछा है कि BDG, भाई नाम लिख लेते सबके, फिगर बना लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। ABCD हो गया, तो आपसे पूछ रहे BDG ये वाला ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एक रेशियो 6 खत्म कहानी, पता है कैसे ये 6 होगा? चलो पढ़ के चेक पॉइंट पार्ट दिखाया हुआ है ना, 1:6। नेक्स्ट त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 16, AC बराबर 63, BC बराबर 65, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या करना चाहिए? कोई सजेस्ट करेगा? कोई सजेस्ट करेगा क्या करना चाहिए? ये दे रखा है A से भुजा BC के मध्य बिंदु M, एक सरल लेखा AM खींची जाती है, AM की लंबाई बताओ, बर्बली लगेगा, सवाल कैसे लगेगा? बर्बली पॉइंट पर स्पिक करना आना चाहिए। बोले सर अगर देखा जाए ये 65 है ये 63 है, तो अगर हम आपसे कहें कि 65 और 63 इन दोनों का वर्गांतर निकाल दो, इन दोनों का वर्गांतर कितना हो जाएगा? बोले सर वर्गांतर हो जाएगा 65 + 63 और 65 - 63, ये आ जाएगा 64 * 128 * 2 = 256,
जो कि तीसरे संख्या का वर्ग, तीसरी भुजा का वर्ग है, मतलब बड़ी भुजा के बाद में से छोटी भुजा के वर्ग को घटाया तो तीसरी भुजा का वर्ग मिल गया त्रिभुज कैसा, त्रिभुज कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, 16 63 65 राइट एंगल। अब नाम दे देंगे, ए बी बराबर 16 है, ए सी बराबर 63 और बी सी बराबर 65। ए से भुजा बी सी पर एक मिड पॉइंट, ये एम पॉइंट होगा क्या, नाम बताओ जरा, ये एम पॉइंट किस नाम से बुलाया जाता है, पढ़ाया, ये जो एम पॉइंट है इस एम पॉइंट को आप किस नाम से बुलाते हो, बोले सर राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है उसको हम सर्कम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, और ये अगर सर्कम सेंटर है तो ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस और ये आपकी रेडियस, ये 65 है तो ये 32 32 32 32 उन्होंने एम की लंबाई पूछी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बात समझ में आई सभी को, यस और नो, 32 सभी का आगे 32 5 आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट सवाल इसको लगाओ, माध्यिका है एडी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि 3:4, अब ये बढ़िया लग रहा है हमें, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा इसमें, है ना, कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, त्रिभुज एबीसी है, एडी माध्यिका है और एडी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि एपी और पीडी 3:4 है, चलो भाई ये 3 ये 4 खुशी की बात है। अब इन्होंने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है ये, और एबीसी का एरिया, वाह मजेदार सवाल, वेरी वेरी मजेदार सवाल, यस और नो, क्या करना चाहिए कोई बता सकता है, क्या करना चाहिए कोई बता सकता है, देखिए अब यहां पर तुम वो कॉन्सेप्ट लगाओ जो हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि ट्रायंगल में जितने भी बेस बना दो उन सभी का एरिया उनके बेस के अकॉर्डिंग काम करता है, उन सभी का एरिया उनके बेस के अकॉर्डिंग काम करता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ट्रायंगल ए बी डी में आओ, एबीडी में आओ, ये साइड 3 है ये साइड 4 है तो इनके एरिया का रेशियो 3:4 होगा, यस और नो, यस और नो होगा। अब तुम्हें पता है कि जो मीडियन होता है वो त्रिभुज को बराबर बराबर एरिया में बांट देती है, क्योंकि मिड पॉइंट और एरिया का रेशियो रहेगा तो अगर ये 7 है तो ये भी पूरा एरिया 7 हो जाएगा, तो आपको पता है बीपीडी इज इक्वल टू 4 एबीसी इज इक्वल टू 14 द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 2:7। आगे सभी का जरूरत नहीं है तुमको हमारे यार, आराम से ऐसे सॉल्व करो, कहीं कहीं ऐसा सवाल जरूर मिलेगा जहां पे सोचने को मिलेगा और जहां तुम्हें सोचने को मिलेगा वहां पे मैं पहले आऊंगा, वहां से हटो नहीं, रीजन क्या है, बोले यही तो वो सवाल है जहां पर ये लोग दिमाग लगाएंगे, जहां पर इनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वहां पर मेरे गाइडेंस की जरूरत होगी, बस पीछे से ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी, तुम लोग सवाल लगाओ, मैं पीछे देखा क्या कर रहे हो तुम लोग, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा तो यही चलता था, बस मैं घूम रहा हूं, लगाओ वहां पे जहां दिक्कत है वहां पे समझा रही है, ऐसे करते बेटा जब तक ऐसे सारा, अगर मैं आपको सोचा छोटा सा बच्चा है, अब छोटे से बच्चे होता है कि आप उसको हमेशा कंधे पे बैठा के घूम रहे हो, हमेशा क्या चलना सीख पाएगा, नहीं सीखेगा, बस मेरे हमारे बाबा कैसे चलना सिखाया तुम लोगों ने, मतलब हर गाने में हर स्टेटमेंट स्टोरी डायलॉग सब जगह आता है, उन्हीं पकड़ चलना सिखाया, बस उंगली पकड़ेंगे, गिरोगे छोटे लगेंगे कोई बात नहीं, ये करने के लिए मैं हूं, लेकिन कंधे पर बैठेंगे, कंधे पर बैठा दिया अपाइस बन जाओगे, सही बोलो ना, तो अपाइस तो नहीं बनना आपको। अब ये क्या सवाल, इसको देखिए सुनो, बड़ी अनुसार कर सकते सवाल को, जैसा एक नजर में दिखाई पड़ा हमें, देखो एबीसी में एडी बीईसी या माध्यिका है, ऊपर मिल गया सेंटर हो गया ए बी डी, ए बी और डी माध्यिका, ठीक है आज ट्रायंगल हो गया, और ए ओ ई बना लेते हैं, है ना, ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं, दिख जाएगा सब कुछ साफ साफ, ऊपर मिल रही है ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी डी ये ट्रायंगल पूरा ले लिया, और ए ओ ई इसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा कौन सा बात कर रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल ये बना दे रखा है, अब क्या रेशियो रहेगा, 7:1:2:3:1 ये पूछे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 3:1 है कौन सा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 3:1, और ये सवाल एग्जाम में नहीं आते क्या आपके, एक बार बताओ क्या टाइम पास करेंगे, पढ़ो क्या ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते, ज्योमेट्री के ऐसे सवाल आते हैं, बोले सर ज्योमेट्री के ऐसे सवाल कौन सा था, सवाल एक बार बोर्ड पे फिर आपसे बात करता हूं, जो आपको सवाल लगवा रहा हूं ज्योमेट्री के, फॉर एग्जांपल मानते हैं मेंस में अगर 16 सवाल है, ज्योमेट्री के मेंस में अगर 16 सवाल है, ईमानदारी से बताना 11 से 13 सवाल इस लेवल के होते हैं या नहीं, ईमानदारी से अगर ज्योमेट्री के 100 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है तो उन 16 क्वेश्चन में 11 से 13 सवाल इन्हीं सब लेवल के होते हैं या नहीं, बताओ मैं सही करूंगा गलत, और अगर जब इन्हीं सब लेवल के होते तो पहले फोकस हम यहां पर करने, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया दैट मींस ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, अब बचे हुए 3-4 क्वेश्चन पे कैसे पहुंचोगे, सोचिए बताओ यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचने का मतलब एक ही है ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो गए, अब 4 क्वेश्चन बचे हुए सर वहां तक कैसे पहुंचेंगे, हमें तो मिस्टर 200 बनना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, मैं मना कब कर रहा हूं, पढ़ाने का पर्पज ही वही है, लेकिन बनोगे कैसे वो स्टेप तो पता चले हमें, हम लोग क्या करते हैं सीधा आते यहां पर बोलते हैं, चंद्र तुम्हारे जब अपनी पहली लड़ाई लड़े थे चाणक्य जी के साथ में तो हार गए थे, वही तरह पराजित हुए और हारने के बाद में भाग रहे थे जान बचा के, कैसे भी करके जान बच जाए, मुगलों ने जिस मुगल से लड़ाई जैसे मुझे एक्जेक्टली आ गया बट हार के जब भाग रहे थे क्या करना चाहिए आगे समझ में आ रहा है, एक गांव था उसमें जाके छुप गए जाके, रात के अंधेरे में उस टाइम लाइट तो थी कि ढूंढ सके, तो अंधेरे में जाके छुप गए जाके उस गांव में घर के पीछे और चुपचाप सुनने लगे कि क्या चल बातें चल रही क्या चीजें चल रही, तो उस घर में एक बच्चा था खाना खाने जा रहा था, रोटी उसकी माँ ने बनाई हुई थी और जब रोटी माँ ने बनाई हुई थी तो बच्चे ने रोटी ली, तो बच्चा है नादान होता है ना, मस्ती बनी जाती हर टाइम पे मजाक महसूस रहते हैं, तो पॉइंट क्या हुआ उस बच्चे ने रोटी को सीधा एकदम 20 सेकंड खाना शुरू कर दिया, चल गया उसकी ये कहानी सुनी, एक्जैक्टली तो नहीं होगा पॉसिबल है ना ऐसा कुछ हो सकता है, बट कहानी सुनी आप लोगों ने उसकी माने क्या समझा, बोले खुद को चालक समझ रखा है क्या, इसलिए हाथ चल गया किनारे से रोटी खाएगा तो नहीं चलेगा, पॉइंट क्या है कि हमें पता है टारगेट हमारे लिए है, लेकिन हमें सीधे यहाँ पे अटैक किया हमारे यहाँ से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, अटैक करने का भी एक स्ट्रेटजी होता है प्रॉपर, तो हम अटैक यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ अटैक करेंगे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और जब खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तब हम वहाँ अटैक करेंगे, बात समझ पाएंगे क्या करेंगे, बोले सर जब हम ये कंप्लीट कर जाएंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, एक भी ज्योमेट्री का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो हमसे छूटा है, अब हम बेहतरीन क्वेश्चन जो ये छूट रहे थे उनकी अलग से प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा ज्यादा कितने हो गए 40 50
लगा लेंगे दो क्लास यार, वो भी चार नंबर को भी दिया, ये प्रॉपर पैटर्न है। आप समझ में आई नहीं आई? लगा तो बन गया ए बी बराबर 77 आ गया, बी ऑप्शन दस तो ऑप्शन में नहीं है, देख लेते हैं। ए बी सी में ए बी 7 24 25 यार, 7 24 25 राइट एंगल ट्रायंगल टेम्पलेट पाया हुआ है। जी त्रिभुज का केंद्रक है, बीजी की लंबाई बताओ। जी त्रिभुज का केंद्रक है, ये लो सबसे पहले तो फिगर को सही बनाएंगे हम, जो हमें पता लग चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 7 24 25 ए बी 7 बी सी 24 ए सी 25 जी केंद्रक है, बीजी की लंबाई पूछिए, जी सेंट्रोइड है, ये माध्यिका होगी तो सर्कम सेंटर पे जाएगी। अगर ये 25 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12.5 है ना, ये 12.5 हो गया। अब अगर ये जी केंद्रक है माध्यिका है तो केंद्रक भी होगा, केंद्रक है तो 2/2 बटेगा, अगर 2/2 बटेगा ये 25 बटे 2, 25 बटे 2 को आपको ब्रेक करना है 2/1 के रेशियो में, एंड यू हैव टू फाइंड आउट बीजी, 2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे? बोले सर इफ 3 इज इक्वल टू 25 बाई 2 देन 2 इज इक्वल टू 25 बाई 3 ऑप्शन टेक एंड करेक्ट। तो 10 किसने मेरा आंसर संजय, ये पक्का लग रहा है आज कुछ गड़बड़ करके आए, लगा 2-3 बार गलत पहुंच गए। अगला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो, ये देखो माध्यिका AD की लंबाई पूछी गई, ये माध्यिका AD, अब बताओ क्या लगाओगे? अब लगा लेंगे, बोलो नहीं, अब जाएंगे लगा सकते हैं मीडियम थ्योरम, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 BD स्क्वायर प्लस दिस। अब ये 9 है तो हमें पता है ये 9 बाई 2 है, या राइट, ये हो जाएगा 9 बाई 2 कर दो इसको, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 इक्वल टू 2 81/4 प्लस AD स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 50, 200 में से अगर 81 जाएगा तो अगर 200 में से 81 जाएगा 119/4 इक्वल टू AD स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 119, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो सवाल कोई भी हो, आप सवाल को जब पढ़ोगे तो जब इस तरीके से सवाल होगा तो आप एटलीस्ट ये तो जज कर पाओगे कौन से सवाल में लगेगी कौन सी थ्योरम, अभी तो सिर्फ ट्रायंगल, अभी तो सर्कल भी आना है, और यहीं पे जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि इतना थ्योरम है कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि सवाल में थ्योरम लगेगी कौन सी। अभी 90 डिग्री वाला है, लटा लटा फंडा है, राइट, यस और नो, ये रटा रटा फंडा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो सर, ये लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, कांसेप्ट ही सिखाया था ये तो, ठीक है। और ये भी बताया था कि 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आया था, पीएल स्क्वायर प्लस सीएल स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो सर 5/4 आया था क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, और ये सभी सवाल आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये इजी सवाल है क्योंकि आप तो पहले नहीं चला रहे हो, मेरे भाई ईमानदारी से बताऊंगी मॉडरेट सवाल है, तो फील बने रहना, ये मॉडरेट लेवल के सवाल है, मॉडरेट और बिलो मॉडरेट, मॉडरेट और बिलो मॉडरेट, समझ लो त्रिभुज की। अच्छा अब जब धीमे-धीमे आगे पढ़ेंगे मिसलेनियस पर जाएंगे, मिसलेनियस का कल प्रैक्टिस करेंगे, वो एबव मॉडरेट चलेगा, एबव मॉडरेट और डिफिकल्ट जाएगा, जब तक हम एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक सेक्शन वाइज चल रहे हैं, तब तक वो मॉडरेट और बिलो मॉडरेट, लेकिन बिलो मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। समझ लो त्रिभुज की असमान भुजाएं 2 सेंटीमीटर समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंबवत होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये लो ठीक है, ये तो हो गया, एंड अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, मीडियंस ड्रॉन ऑन इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, इक्वल साइड पे अगर हमने मीडियन ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम पे कोई आसान कर रही है क्या, बनाओ 90 डिग्री का एंगल, आपसे क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अगर ये 2 है, अब चूंकि ये माध्यिका है और उतनी ही माध्यिका ये क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल है, सिमिलरिटी सेट हो जाएगी, इसका मतलब ये साइड बराबर इस साइड के, तो ये 2 है तो ये हो जाएगी √2 और ये हो जाएगी √2, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोले 1, यस और नो, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1, एग्री, काम बन गया। अच्छा अगर इसका एरिया 1 है और ये है आपका सेंट्रोइड, ये वाला कांसेप्ट लगाओ, अगर ये 1 तो ये 1 और ये 1, आंसर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है सर, इजी नहीं है, अभी लग रहा होगा इजी है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो यही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बन जाता है, आपसे क्या पूछा, मैंने तो पूछा आंसर 3 सेंटीमीटर, एक और सवाल, वो केंद्र वाले किसी वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर बिंदु ए और बी है, सर्कल के आसपास है, तो सर्कल के थोड़े बहुत कांसेप्ट आपको पता होंगे, चलो कर लेते इसको, वो केंद्र वाला वृत्त हो गया, इस वृत्त पर दो बिंदु ए भी है, ए पी इस पर रेखा इस प्रकार है, ए है ये पी है, ये पॉइंट अलग किसने दिया इसमें, बी एट इक्वल टू 45 बी पॉइंट ए है, तो बी एट इक्वल टू 45 है, ये ओ हो गया, ओ ए पर एक बिंदु एन है, ओ ए पर कोई एक बिंदु हमने एन ले लिया और बी एन इक्वल टू 10 है, ये कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ये एन ले लिया, ये 10 है, एन ओ बी की माध्यिका, एन ओ बी तो एन ओ बी की माध्यिका, ये माध्यिका है, ओ एम की लंबाई पूछी है, बड़ा क्वेश्चन यार, मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट प्रेजेंटेशन है सवाल का, इस सवाल का सवाल का सवाल बेस्ट आना चाहिए, प्रेजेंटेशन तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, यहां पे सर्कल भी मर्ज हो रहा है, यहां पे ट्रायंगल भी मर्ज हो रहा है, जहां देखिए कौन सा पहले सवाल बेस्ट लगा, तो बढ़िया सवाल है, क्या करना चाहिए ब्रो, कोई बताएगा क्या करना चाहिए, चलो जरा एक बार देखो क्या करना चाहिए, एक बार जरा ये एंगल बताइए, एंगल कितना है, एन ओ बी, ये एन कहीं पर भी कोई फिक्स नहीं है कहीं पर मिल रहा है, लेकिन ये एंगल कितना है, आपको सर ये वाला एंगल रखा है 45 और एक काम
तक कौन प्रमेय ने ये हमें सिखाया कि अगर ये 45 है तो ये 45 है, बोलो हाँ या ना। और दूसरी थ्योरम ने सिखाया कि केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर अगर हम बात करें यहां से ओ बी एन, ये 90 डिग्री रखा है, ये 10 दे रखी है, ये मिड पॉइंट है। अब ओ एम पूछा है, बताओ ये एम पॉइंट है क्या, बोले सर इस एंगल का सरकम सेंटर है, अगर ये 10 है तो ओ एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अल्टीमेट प्रेजेंटेशन यार। आंसर है किसी का, है मजेदार सवाल। तो सवाल वही है, लगे कि सब वही थ्योरम जो तुम लोग पढ़ चुके, कोई नया नया लोगों ने, अब उसको नाम अगर हम विचित्र विचित्र देने तो भले ही यार कह सकते हैं कि नया है ना, जैसे रिपब्लिक मोबाइल वगैरह कुछ भी आता है तो क्या करते हैं, बड़ी आराम से तेल पालिश किया उसका चमकाया और ये चल देता। कोई भी मोबाइल का जो नया वर्जन आता है वो कैसे आता है, बोले पुराने मोबाइल में दो फीचर बनाओ ना, खुद पढ़ो वो तुम्हारे जैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी एक मोबाइल, जैसे अगर आपने मान लिया 5000 रुपए का मोबाइल लिया ना, सस्ते से मोबाइल आपने लिया 5000 का, नहीं 5000 तो नहीं था, 15000 का मान लो आपने मोबाइल लिया, कोई भी आपने लिया, जो कुछ भी चाइना वगैरह की कंपनी जिनका कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, फोड़ना वगैरह नहीं, अगर जागरूक नागरिक हो तो ये है कि भाई आगे से नहीं करना, तो कर चुके हो तो वहां पहुंच चुके हैं। वो आपसे क्या करेंगे कि आप उन्होंने एक सेट लॉन्च किया, दिस वन 10, 4 महीने रुको, तुम्हें क्या लगता है 10 तो बेकार है, अगर कंपेयर करोगे जरा सा चेंज होगा और प्राइस हाई होगा, बस वही चीज होता है, लेकिन चीजें बढ़िया नहीं है। तो करना क्या बोले, बस हाई बस कैसे भी करें और लोगों को इंप्रेशन जाना चाहिए कि सब बहुत अच्छा बात है, सब बहुत अच्छा बात है। अनुसंधान क्या करते हैं, बोले यार जो तुम पढ़ के आओ बेस्ट पढ़ के आओ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम तो सीख चुके हो, तुम्हें बस उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी को तुम्हें करना है और कुछ नहीं है, बाहर का सब बकवास है। अभी पढ़ो सवाल क्या है और लगेगा, अरे बता तुम सॉल्व कर सकते हो, सीट अभी दे दी गई लेवल 1, हमर दूंगा सबको, हमर दूंगा सबको, है ना। तो बस एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है, ठीक है, अ पॉइंट ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन बीसी, ठीक है, चल रहे हम, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग आल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। यार कुछ विचित्र टाइप की लैंग्वेज नहीं है ये, मतलब कुछ ऐसा जानवर टाइप की फीलिंग नहीं दे रहा है ना, मतलब रेंग रहा है, चल रहा है टाइप की, है ना, ये पता नहीं कैसे चलेगा, चलो अभी देखते हैं कैसे चलेगा, चलाते हैं। एबीसी हो गया, बोले सीधी रेखा बीसी लाइन के पैरेलल चलता है, पॉइंट ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल, बोले सीधी बीसी, ठीक है, कोई पॉइंट है वो इसके पैरेलल मूव कर रहा है, चलो ठीक है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग आल्सो मूव्स, बीसी का पैरेलल कौन चलेगा यार, सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, आप तो क्या बोलते हो, तो क्या कहना चाहिए, कुछ ना कुछ विचित्र लैंग्वेज यूज किया, पॉइंट ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन बीसी, अब बीसी के पैरेलल अगर हमें मूव कराना है तो हम करा लेंगे, ठीक है, बट दूसरे पॉइंट निम्नलिखित में से कौन सा बीसी के समानांतर किसी सीधी रेखा में चलता है, तो चलेगा कहां पे, ये नहीं समझ में आ रहा, सवाल क्या कहना चाह रहे, कोई गैस कर सकते हैं क्या, कोई गैस कर सकते हैं, लगाओ क्रिएटिविटी, यार ए को चलाना है, चलाओ ए को, सारे पॉइंट इधर उधर भागेंगे, सब भागेंगे सिर्फ एक को छोड़ करके, कौन सा, चलो पहले ये को चला लेते हैं, ये बीसी के पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर लिया, चलाने का मतलब है एक को कहीं यहां सरकाओ, कहीं यहां सरकाओ, ऐसा ऐसा था कितना बचपन में कुछ था ऐसा कुछ खेलने वाले, अब सपोज करो ये ए यहां पर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये ए यहां पर आ जाए, अब ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा है प्लेटो, ए इधर आएगा, ये लो उसने ए को यहां कर दिया, अब आपका ट्रायंगल बनेगा, ये तीन ट्रायंगल आपके पास दिख रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल का देखो सरकम सर्किल बाहर भागने लगी, क्योंकि नॉर्मल ट्रायंगल ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये तो भाई भागेगा, ये भी भागेगा, मुद्दा रहा इन दोनों के बीच, मुद्दा रहा इन दोनों के बीच में कि सेंट्रोइड या इन सेंटर कौन एक जगह पर रुकेगा, अब जरा इन दोनों में जरा एक बार जज तो करो कि चीजें कहां करेंगे, चीजें तो मुक करेंगे लेकिन किस तरीके से करेंगे वो समझे, इसको मैंने क्या बता दिया, इसको नहीं रहा कुछ और चीज समझा था, मुझे मैं कुछ और आया था इसलिए बता दिया, समझे कौन सी चीजें मुक करेंगे, अच्छा की बात बताओ, अब इनके फॉर्मेशन पर एक बार जाकर देखते कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक स्ट्रेट लाइन में मुक करेगा और वो स्ट्रेट लाइन बीसी का पैरेलल होगी, जब सर त्रिभुज इधर उधर मुक कर रहे हैं तो इनके सेंटर्स भी इधर उधर मुक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो सेंटर्स एक स्ट्रेट लाइन में कैसे चलेंगे आपको देख, अच्छा एक बात बताओ, ये सर्किल है इसका ऑटो सेंटर कहां होगा, सर यहां पे होगा, ये ट्रायंगल है इसका ऑटो सेंटर कहां होगा, सर यहां पे होगा, मेरा एग्री, अब अगर ये सर ट्रायंगल है तो इसका ऑटो सेंटर कहां होगा, सर यहां पे जाएगा, तो ये तो बीसी के पैरेलल नहीं हुआ, चल छुट्टी करी, अच्छा दूसरा जो इन सेंटर कहां जाएगा, और इन सेंटर नहीं सरकम सेंटर, देखो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर यहां पे, अब इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सरकम सेंटर लगभग शायद यहां पे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, इधर उधर मूव करेगा, बट इस ट्रायंगल में ऐसा तो नहीं जाएगा ना, या ऐसा तो नहीं जाएगा, कुछ तो मतलब ऐसे कुछ बनेगा, अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, अच्छा समझाने का तरीका मिल गया तुम लोग को, अभी सब ऑब्जर्वेशन पे जा रहा था ना, अब समझाने का तरीका मिल गया, थोड़ी देर से मिला बट मिल गया, ट्रायंगल कौन सा, अब तुम लोग तुरंत आंसर बताओगे, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल ये बैठे, क्लियर, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी एंगल ये बैठे, अब हमने क्या किया, ये को यहां पर ले आए, ये को यहां पर ले आए, ये इसका मिड पॉइंट होगा, वहां काटेंगे इस पॉइंट पर नहीं काटेंगे, अब तुम्हें सारे पॉइंट दिख जाएंगे, अब तुम्हें सारे पॉइंट दिख जाएंगे, पहले सारे सेंटर यहां पे है, इस वाले ट्रायंगल में ऑटो सेंटर कहां जाएगा, बोले सर 90 डिग्री पे आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में ऑटो सेंटर, बोले सर यहां जाएगा, सर्कम सेंटर, बोले सर सर्कम सेंटर तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर पहुंचेगा, पहले यहां था तो यहां पर पहुंचेगा, बोले सर सर्कम सेंटर भी बीसी के पैरेलल नहीं है, अब दो बजे अपने पास, अब शायद तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें कहां पे जाएंगी, यस और नो,
सेंट्रोइड कहां पे जाएगा? बोले सर सेंट्रोइड ये अगर है, ट्रायंगल अगर ये है तो सेंट्रोइड ये होगा, और इसको 2:1 ब्रेक करोगे तो 2:1 यहां पर आएगा। गौर से समझ रहे हैं? ये अगर ट्रायंगल हमने उठाया, ये वाला ट्रायंगल, इसको आप ये, अगर हमने ये वाला ट्रायंगल उठाया, ये हमारा माध्यिका है, मिड पॉइंट पर जा रही है, यही सबका सेंटर भी है, तो इसका सेंट्रोइड यहां पर होगा, 2:1 का रेशियो होगा, ये 2:1 समझ रहे? एक बात समझ रहे मेरी? अब क्या सीन है बेटा, इसमें येलो वाले ट्रायंगल में जब आप आओगे, ये मिड पॉइंट है, अगर हम इसको 6 ले लें पूरे, तो ये मिड पॉइंट, ये 3 और ये 3, और ये पॉइंट तो 4 और 2 में ब्रेक करेगा, तो ये 2:1। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर इन पॉइंट को मिलाएंगे तो अपर पोर्शन 1, लोअर पोर्शन 2, बात समझ भाई? तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बीसी के पैरेलल मूव करेगा, दैट इज सेंट्रोइड, और यही सवाल होता है। अरे लैंग्वेज बड़ी गलत है यार, दोनों तो मुझे समझने में लग गया कि आखिर सवाल कहना क्या चाहिए, बात समझ में? जो भी क्वेश्चन आपको जरा सा भी लगे कि यार ये दिक्कत कर रहा है, इन अगले 100 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लगे, और लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बाकी के सब क्वेश्चन आप नोट कर, और कल हम लोग वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक दूसरा काम क्या है, आज नाइट आउट मार दो, ऐसा कोई ऐसा है तो नाइट आउट लगा सके, नाइट भर पढ़ाई कर सके, नाइट भर पढ़ाई कर सके कोई है, तो करना क्या है, इसको कोशिश करना है इसको फिनिश कर लेना हर हालत में दोपहर के 12 बजे से पहले पहले, और क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा, मन से लगाओगे मैक्सिमम 2 घंटे लगेगा, 3 घंटे लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, कल दोपहर के 12 बजे तक ये 200 तक सॉल्व कर लेना, और हर हालत में 1 बजे तक वो सभी क्वेश्चन, अगर आप लोग जो लाइव क्लास ले सकते हैं तो वो तो लाइव क्लास ले लेंगे, अदरवाइज ग्रुप पे शेयर कर देना ये सभी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ग्रुप पे शेयर करो, हम क्या करेंगे उन्हीं सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे कल की दोपहर की लाइव क्लास में, दोपहर की लाइव क्लास में हर बार लगाने की सोचता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है कि क्लास लगाऊं या ना लगाऊं, एक तो नाइट पर मेहनत करता हूं यार, कुछ और बेहतर कुछ बना रहा हूं तो लास्ट मोमेंट पे, है ना, इसलिए पूरी कोई सब्जी बनाने का लास्ट में धनिया डाल देना पत्ती का टेस्ट बदल देता है, बस वही चीज है, वैसे कुछ बनाने का प्लान कर रहा हूं कुछ बेहतर, तो देखते हैं जैसा कुछ मिलेगा तो ओवरऑल कहता कि दिन में बैच ले नहीं पा रहा हूं, बट मैं बहुत ज्यादा कैसे भी करके दिन में बैच ले लूं, कल कोशिश करूंगा कि आपका दिन में बैच लगाए, मतलब दिन में तो लगाया जाएगा, नाइट वाला कैंसिल नहीं होगा, नाइट में तो लगे ही लगेगा, दिन में भी लगाया जाएगा, ऐसा कुछ लगता ठीक है, तो अगर कल अगर दिन में लगा तो 11 दिन का आसपास कभी कहीं, तो ओवरऑल कल क्या होगा, कल 200 क्वेश्चन के आसपास कवर कर जाए, ठीक है, 200 तक कोशिश करना पहुंचेगी, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सेशन पर ओवर कर रहे हैं, समझ में आया सभी को? यस सर, सभी को समझ में आया सब कुछ? शिखर, संजना, संजय, हरीश, ठीक है, बाकी सेशन पर ओवर करते हैं, हम लोग कल मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे, तो जो सेशन थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइम लगाया जा रहा है, तो इसलिए कि आपकी नाइट क्लास अफेक्ट ना हो, नाइट में कुछ काम वगैरह होगा, तो इसलिए नाइट क्लास अफेक्ट ना हो, तो थोड़ा सा शेड्यूल को फिर रखें, आगे करके आपकी क्लास को 7 बजे कंडक्ट किया जाए, ऐसा नहीं कि ये क्लास का टाइमिंग 7 बजे हो जाएगा, सिर्फ आज के लिए ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको वही टाइम रहेगा जो आपका है, और कुछ टाइम को लेकर कुछ डिसीजन लिया गया है, कुछ कमिटमेंट है, तो जब तक कोई चीज प्लान रहती है आपको पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, बट जब कोई कमिटमेंट पर पहुंचते हैं कि चलो हम लोगों ने ये फाइनली पूरा कर लिया है, सब कुछ सेट हो चुका है और ये अब आपको मिलेगा, तो वो चीजें थोड़ा सा डिले जरूर रहती है, उसको उनको हम लोग तब करते हैं जब हमारा फुल प्रूफ प्लान बन चुका, कमिटमेंट मतलब वो ब्रेक नहीं चाहिए, तो टाइम को लेकर के क्लासेस को लेकर के आपको बार बार बताया जाता है कि आपकी जो क्लासेस रहेगी उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम आपको दिया जाएगा, ये सभी चीज आपको पहले से कई बार बताई जाती है, बट हाँ आज वो टाइम है जब मैं आपको ऑफिशियली टाइम अनाउंस कर सकता हूँ कि किस किस टाइम पे और कब से आपकी एडिशनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये सब चीजें आज की क्लास में आपको समझा सकता हूँ, समझ लो कैसे 1 अप्रैल से ना अप्रैल फुल वाले डेट, ये मैं सोचना कि सर अप्रैल फुल बना रहे हैं, ये तो सच्ची में बन जाएगा तुम्हारा, मेरे लिए 1 अप्रैल मैटर नहीं करता है, ओके, ये 1 अप्रैल अप्रैल फुल डेगा तो बनाएंगे तुमको, पहले से बने हुए हो, कुछ नया होता तो बनाया जाए, तो 1 अप्रैल से आपके 2 बजे स्टार्ट हो चुके होंगे, 1 बजे चलेगा 11 बजे से 1 बजे तक, 2 घंटे का बैच ये रहेगा आपके पास में, क्लियर है, इसके बाद में जो दूसरा आपका जो टाइम स्लॉट था 8:30 से रात को 10:30 तक, ये 2 टाइम पे आपके स्लॉट चलेगा, अच्छा अब ये पूरा चलेगा आपका 1 अप्रैल से लेकर के 25 मई, 1 अप्रैल से 25 मई लगभग हमारे पास में 50+ डेज है ना, क्योंकि बीच में संडेज वगैरह भी पड़ेंगे, ये मंडे टू सैटरडे रहेगा, ये मंडे टू सैटरडे रहेगा, अभी मंडे टू फ्राइडे चलता था, मंडे टू सैटरडे आपका आगे का टाइम रहेगा, ये हो गया, इसके अलावा क्या रहेगा, अच्छा इस डिवीजन में हम पढ़ने क्या बनेगा, हम मेंसुरेशन करेंगे, अलजेब्रा करेंगे, ट्रिगो करेंगे, नंबर सिस्टम करेंगे, ये इतना काम करेगा, साथ ही साथ ये जो भी काम रहेगा ये प्रॉपरली डेट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइम पर मैं किसको कितना टाइम देना रहेगा, ये सारी चीजें किस पैटर्न पर कंप्लीट होंगी, तो ये जितनी भी चीजें आपकी ये लास्ट अप्रैल कंप्लीट हो चुका, मे बी रेयर केस चांस ऐसा हो सकता है, मे बी लास्ट अप्रैल कंप्लीट ना हो पाए, तो ये ऐसा हो सकता है कि 2 मई या 3 मई तक कंप्लीट होगी, मैक्सिमम 1-2 दिन का अगर हम लोग आपके चले तो 2 या 3 मई तक सारी कंप्लीट हो चुकी है, बट हम लास्ट अप्रैल को बात कर रहे हैं, क्लियर, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस प्रैक्टिस की, अब ये प्रैक्टिस 2 फेज पे होगी, 2 फेज पे कौन सा होगा, मॉर्निंग वाला जो स्लॉट रहेगा वहां पर आप लोगों की डाउट क्लास होगी,
मतलब आप लोग कहीं पर मॉक वगैरह भी दे रहे होंगे, कहीं ऐसे सवाल फंसेंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, बस हमें ये सवाल नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी चीज होगा मॉर्निंग स्लॉट पे डिस्कस करोगे। जब मॉर्निंग स्लॉट में आपके उस दिन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, फिर भी अगर टाइम बच रहा होगा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, बट ओवरऑल क्लासेस चलेंगे ऐसे 4 घंटे, मतलब 1:30 से 4 घंटे चलेंगे। और इस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस या मिसलेनियस प्रैक्टिस मैं करूंगा अपने तरीके से, मतलब ये वो सेशन रहेगा जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आप अगर कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हो कहीं से भी उसको डिस्कस किया जाएगा, तो सीजीएल है तो सीजीएल में लेवल तो नहीं होता, हम इस लेवल पर पढ़ेंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, बस आपके सिलेबस का होना चाहिए, डिस्कस किया जाएगा। और यहां पर आपको मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं खुद प्रिपेयर करूंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये आगे का 2 महीने का फुल प्रूफ प्लान है और हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। बात सभी को समझ में आई ब्रो? हां ना, ठीक है। तो हम लोग आगे इस तरीके से काम करने वाले हैं, ये आगे 2 महीने करेगा। तो एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं पीडीएफ में इसको डाल दूंगा, ठीक है। जैसे आपको एक कॉपी में नोट कर सको कि अगले टाइम तक क्लासेस कैसे चलने वाली है और आप कैसे सीजन के लिए प्रिपेयर किए जाओ। यहां तक पहुंचने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग लगभग 30 से 35 पहुंचेंगे, 50। मैं बता रहा हूं आपको, जब आप यहां तक पहुंचोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 30 से 35 पहुंचेंगे। मैं ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं करता हूं, आप लोग हमारे 40 पहुंचते हैं, बहुत खुशी की बात है। बट 30 और 30 के बीच, 35 के बीच में यहां तक आप पहुंचे, मतलब लास्ट अप्रैल तक आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, आप पहुंच रहे हो 30 के पास, 30 और 35। अब 30 और 35 से हम लोग को पहुंचना है 50 तक, वो सारा कुछ कवर करेंगे हम इस टाइम। यहां पर हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे सारी चीजें आपको देखेंगे। हो सकता है जैसा कुछ भी चीज है, ये वो प्लान है जो आगे एक्सक्यूट किया जाएगा। एडिशनल अगर कुछ होगा तो अलग बात है, बट इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज आगे नहीं होगा। और जब सारी चीजें उस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, जब चेक कर लिया हाँ, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग कमिट कर सकते हैं, तब आपको बताएगा। अदरवाइज आपको बोला जा रहा था कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगे, आपको 2 मैसेज दिए जाएंगे, लेकिन जब तक टाइम सेट नहीं हो रहा है तब तक चीजें इधर उधर। अब यह है कि 1 अप्रैल से चीज स्टार्ट होगी सभी को। चलो हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे और आज मैं बोला भी था कि डाउट क्वेश्चन दे देना। अब तुम लोगों को या तो डाउट कोई आया नहीं, सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए, और या फिर मक्काली दे रहे हो, तो यार मक्काली दे रहे हो तो हरकत सुधार लो, है ना। मेहनत करोगे आउटपुट नहीं निकलेगा, मजा नहीं आएगा। अगर सवाल सारे हो गए तो अच्छी बात है, बट अगर मक्काली हो तो चीजें थोड़ी सी सुधारने की जरूरत है, और तुम लोग सुधारोगे भी, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको शादी वगैरह करनी है, काफी कुछ इच्छाएं हैं मन में, बहुत से अरमान हैं। कुछ अच्छे सुपुत्र टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए उनके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ही होते हैं ऐसे दिखावे के लिए, सब होते हैं रियल में कुछ ही होते हैं। और शायद अब तो कुछ बहुत कह सकते हो 1000 या 10 हज़ार में एक आदमी है ना। अब लोग कहते हैं हमारे लिए माँ बाप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ऐसा बोलते हो राइट। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस जो भी रिलेशनशिप में है, कमिटेड है ना, उससे बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर को, मेल हो या फीमेल हो जो भी, तो जो भी है जिससे भी आप सबसे प्यार करते हो, कुछ ना कुछ तो देना चाहोगे, तो मक्काली बंद करो। 2 महीना है लग के काम करते, 2 महीने और कुछ नहीं देखना है, 2 महीने खून पसीना लगाना है, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। एक चीज और बता दूं आपको, आज ही क्लियर कर दे रहा हूं, हो सकता है बीच में आगे और फिर से एक बार करूं। अभी तक ये पीपीटी जो कुछ भी सब दिख रहा अच्छा नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, हो सकता है आगे 1 महीना और चलेगा ये सब अच्छे से काम, पीपीटी वगैरह सब सुरक्षित मिलेगी। 1 महीने के बाद सब जो चाहे किसी भी पब्लिकेशन का मिले क्वेश्चन, जब लास्ट ईयर भी क्लास कोर्स लॉन्च किया गया था उस टाइम पर भी यही था, जब प्रैक्टिस में थे फिर मैं पब्लिकेशन भूल जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन टॉपर्स लग का है, बोर्ड पे वाटरमार्क किसी और का दिख रहा है, आई डोंट केयर। और मुझे नहीं लगता कि आपको भी किसी और के वाटरमार्क से कोई प्रॉब्लम है, वहां पर सिर्फ मैटर करेगा लास्ट के टाइम पे कि क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन आया है ना, तो जो कुछ भी करना हो वो मैटर नहीं करेगा। टारगेट क्या बोले, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम स्कोर, वहां पर काम करेंगे, ठीक है। चलो ये सब चीजें अब सवाल देखिए, आप सभी को क्लियर हो गई ना जो कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसके लिए एक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम होता है कि जो सर्किल पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं चीजों को, क्योंकि सर्किल कुछ बेसिक थ्योरम्स यहां पर एप्लीकेबल, बेसिक थ्योरम्स जो तुम सबको पता भी होंगे, तुम लोग नहीं भी पढ़ा। अगर उन्होंने बोला कि वो सर्कम सेंटर है और इसके बाद बीएसी बराबर 85, तो जैसे वो सर्कम सेंटर की बात करें और कोई की बात करें तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने सर्कम सेंटर बोल दिया तो सबसे पहला काम सर्किल ड्रॉ कर दे। अगर उन्होंने सर्कम सेंटर बोल दिया तो सर्किल ड्रॉ कर देना, बोले सर्कम सेंटर ये वो है। अगर उन्होंने बोला बीएसी 85 बीएसी 85 बी टी ए 80 डिग्री ओ ए सी, ये वाला एंगल उन्होंने आपसे पूछा, ये वाला एंगल उन्होंने आपसे पूछा, QR 75 QR 75 QR फिर से वही सेम
फिगर सेम एंगल, सेम फिगर सेम एंगल, वही काम फिर से करना है, क्या करेंगे? वो सर 55 75, टोटल हो जाएगा 150, इसका मतलब ये हो जाएगा 50, और अगर ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100, अब अगर ये 100 हो चुका है तो इसका मतलब ये एंगल 80 बाई 2 मतलब 40 40 में बढ़ जाएगा, जो फाइनल आंसर विल बी 40, सेकंड ऑप्शन आया सभी का। तो दीप शेखर बस दो ही लोग पढ़ रहे हो और आप जवाब दे रहे हो, इतने सब लोग लाइक दिखाई पड़ रहे हो, जवाब देने में क्या हो रहा है? तुम लोग को जब सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या बोलोगे, नौकरी नहीं देना हमें? कि भाई हमने सभी की क्लास में रिप्लाई नहीं किया था, आप चुपचाप पिक्चर देखने आए थे, हमें नौकरी मत दो, तब तो कूद के पहुंचोगे वहां पे, तभी जवाब देने में क्या दिक्कत आ रहा है? बिना जवाब दिए आपको लगता है सिलेक्शन होगा, चुपचाप बैठे रहने से। अब ये सवाल लगा देखो, एबीसी पी क्यू आर का परिकेंद्र ओ है पी बराबर 56, ओ क्यू आर और ओ आर क्यू का कोण संबंधी भाजक परिमित है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट मी एट एम, देन व्हाट इज द मेजर? एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, ओ परिकेंद्र, ओ परिकेंद्र पी बराबर 56, पी बराबर ओ क्यू आर, ये ओ परिकेंद्र खत्म हो रहा, तो ओ क्यू आर और ओ आर क्यू के कोण संबंधी भाजक एम पर मिलते हैं। अब इनके भी एंगुलर बाइसेक्टर खींचो, ये इधर जाएगा, इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये इधर जाएगा, और ये पॉइंट है आपका एम, ये पॉइंट है आपका एम। आपसे पूछा क्यू एम आर का मान कितना होगा, याद समझो होशियारी मत दिखाना चाहता, अभी पता है अगर ये 56 तो ये कितना, ये कितना तो सर 112, 56 × 112 केंद्र पर बना कौन पर निकोण लगा, अगर ये 112 है तो आप क्या कहोगे? एंगल ओ क्यू आर में एंगल क्यू प्लस एंगल आर, अगर ये 112 है तो ये 68 हो जाएगा, ये सॉरी 68 हो जाएगा, इसलिए एंगल एम क्यू आर में एंगल क्यू प्लस एंगल आर, क्योंकि कौन संबंधी भाजक है, इन दोनों का टोटल 68 है तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा 34, तो यार रिक्वायर्ड एंगल क्यू एम आर विल बी 180 − 34, अगर 34 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 146। आ गया अभी का कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं है, बस आपको वही स्टेप फॉलो करना है, टिकट ड्रॉ करना है, डाटा को यूज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो सर जादू वाला ऐसा कोई मंत्र बताओ, हम पढ़े उत्तर ब्लिंक होने लगे, बोले ऐसा कोई हमें मंत्र बताओ कि हमारे सामने जैसे सवाल आए हम वो मंत्र पढ़े उत्तर बोले हमें आओ इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी त्रिभुज ए पी बी के परिवृत्त का व्यास है, अब त्रिभुज ए पी बी का परिवृत्त है और इसका व्यास है ए बी, डेफिनेटली पी विल बी 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि जब देखो परिधि या सर्कम सेंटर सर्कल सर्कम सर्कल सब रेडियस ये बताएगी, सर्कल तो बनाना है, वो सर्कल अगर बनाया ओके संजय तुम्हारा आराम से रनिंग करो जरूरी है, रनिंग करो, फिजिकल फिटनेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, साथ ही साथ आपको कुछ दिन के बाद में टाइट से भी आपको थोड़ा समझाया जाएगा किस तरीके आपको टाइट टाइट रखनी है, कब आपको सोना है, मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा ही प्लस सिलेक्शन के टाइम पे सॉरी एग्जाम के टाइम पे अच्छा स्टूडेंट क्या क्या एक्टिविटी करता है उन सब के बारे में आपको डिटेल किया जाएगा, जो चीज मैंने की थी या जो मेरे दोस्तों ने या जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या रहता है, क्या उनका हर एक से बात करता हूं, मेरे पास कोई भी बच्चा कॉल करता है तो मैं ओपन रहता हूं बात कर सकता हूं, भले मैं काम में बिजी भी हूं, इनके साथ कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूं तो बात अलग है, तो फिर मैं बात करूं, मतलब आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे हुए जो मुझसे डायरेक्टली फोन पर बात कर चुके हैं, तो मैं ओपन रहता हूं बच्चे भी, तो फिर उनसे पूछा कि तुमने क्या किया कैसे सब किया, तो ये सारी चीजें उनके काम करने का तरीका था, वो सारी चीजें मैं भी सोचता हूं तुमको पता रहना चाहिए, और एक टीचर से बच्चे जैसे अगर तुम लोग अगर सेलेक्ट होगे ना तो फिर कॉल करोगे या तुम करोगे नहीं करोगे तो हम लोग कर लेंगे, जैसा कुछ भी होगा कनेक्शन बनेगा, तो अगर मैंने पूछा तुमने कैसे क्या पढ़ा किया तो तुम दुनिया में सब कितना भी झूठ बोल गया कि हमने 40 घंटे नहीं 40 ज्यादा जाएगा ना हमने 8 घंटे पढ़ा किया था, तो मेरे सामने वही बोलोगे जो एक्चुअल होगा, ये रिकॉर्डिंग अलग होता है यार, ये सिर्फ फील कर सकते हो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप इस पॉइंट को, कोई फिजिकल वगैरह अगर आप करो सबसे बढ़िया चीज है, अगर भी जिम जा रहे हैं सब लोग कहते एग्जाम के टाइम में जिम छोड़ो तो काम लगेगी, बस छोड़ो अलग चीज है सर, जब आप कुछ भी नहीं करते तो हम कहते हैं आपसे कि सुबह सुबह एटलीस्ट उठ के मेडिटेशन और योगा करो, सुबह बैठो ठंडी हवा में थोड़ी देर के लिए, ये सब बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए होता है यार, बॉडी को थकाने के लिए होता है, जब जिम को ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में बॉडी थकती है ना, जैसे अभी रनिंग करके आए तो जब ये स्टार्टिंग में दौड़ना शुरू किया तो इसके 7-8 दिन पैर भयंकर दुखी होगी, कायदे की नींद आई होगी, लेकिन जब आप महीने 1.5 महीने कर लेते तो उसके बाद में आपके फ्लो में आता है, फिर अगर आप रनिंग करने नहीं करता है कुछ अधूरा है कुछ कमी है ना, आज बस आज तेरी कमी है, तो इस टाइप से बस वही चीज है, तो रनिंग वगैरह करो तो बढ़िया चीज कंटिन्यू करो, इसको रोकना नहीं अच्छी चीज बॉडी फिट रहनी चाहिए, अभी मैं पिछले 1.5 साल से कुछ ज्यादा ही इतना काम में बिजी रहता हूं, दिन भर रात भर अलग ही रात को 3-3:30 बजे सो रहा हूं कंटिन्यूसली ना, 3-3:30 बजे सोना फिर देर तक उठना, पूरी शरीर की बैंड बजी रखी हुई है, और मुझे पता है कि ये सब कब तक करेंगे करूंगा मैं, कितने दिन और ये चलने वाला उस टाइम के बाद में फिर मुझे फिर से वापस अपने काम करना रहेगा, दोस्तों तो एक अच्छी चीज है, ठीक है अभी सवाल है भैया उन्होंने रखा ए बी पर का व्यास है एन बिंदु पी से ए बी पर खींचे गए एन बिंदु पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, याद है कौन सा फिगर है सिमिलैरिटी में पढ़ाया था अगर आपको याद परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर देखो वही फिगर घुमा कर रखा, तो अब लोगों कैसे करना है एन हो गया, अब इन्होंने बोला ए पी बराबर 8 उसी की बात पी बी बराबर 6 ये हो जाएगा 10 बी एन बराबर बी एन ये पूछा गया बी एन बराबर क्या आपको सिखाया था इनका रेशियो कितना है बोले सर इनका रेशियो 3:4 तो आपको पता है कि इनका रेशियो कितना जाएगा 9 और इसका स्क्वायर करके 4 का 16:9 में ब्रेक होगा इस रेशियो में ब्रेक होगा 16:9 में ब्रेक होगा सिखाया हुआ या नहीं सिखाया हुआ ये कौन सा और ये सवाल आपके 2019 के पेपर में आया कैसे करना 16:9 में 10 को ब्रेक कर लो 10 का 6 8 10 फिगर सिखाया हुआ तो आपको कैसे 25 बराबर है 10 के और हमसे पूछा बी एन दैट इज इक्वल टू 9 तो 9 इक्वल टू 5 से कैंसिल कर दो 2 बार 5 से कैंसिल किया 5 टाइम्स दिया जाएगा 18/5 दैट इज 3.6 आंसर है कोई ऑप्शन ठीक है ठीक पॉइंट कोई नई चीज नहीं ये सब लोगों को सीट प्रोवाइड होगी ना
आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। इतना मान ध्यान रखना, ट्रायंगल में आप सब पढ़ चुके हो, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा वहां पे, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो जो आप ना पढ़ो, ताकि कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। सी से मिला दिया। अब हमें पता है कि आज पीसी में
सर्कमफ्रेंस पर बना कोण 25 है और सेंटर पर बना कोण 50 हो जाएगा। यस और नो? आर्क पीसी में सर्कमफ्रेंस पर बना कोण 25 है, सेंटर पर बना कोण 50 हो जाएगा। और अब जरा ट्रायंगल ओपीसी में आ जाओ, तो अगर ये 50 हो गया तो बाकी का क्या हो जाएगा सर? 130 और 130 को अब ओपी और ओसी रेडियस है तो बराबर बराबर मान दो, योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 65 डिग्री। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट। अब सवाल को लो, त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंदर बना है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज ये जो है एक वृत्त के अंदर है, ओके, वृत्त के अंदर वो केंद्र है इसका, तो ये वो है क्या बोले, वो एक्चुअल में सर्कम सेंटर है। इन्होंने ए ओ को इस प्रकार बनाया कि वो वृत्त को के पर मिलता है, ए बी सी, इन्होंने ए ओ को इस प्रकार बनाया कि वो वृत्त को के पर मिलता है, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी बराबर 80 डिग्री, सी बराबर 64 डिग्री, और एंगल आपसे पूछ रहे डी ए के, ये वाला एंगल पूछ रहे। लगा जल्दी से दौड़ के करें कौन सा रहेगा। जैसे हमने ये फिगर देखा बोले सर ये बनना है फिगर, ये परपेंडिकुलर ये है, 80 और 65 का डिफरेंस, 80 और 65 का डिफरेंस बोले सर यहां से आ जाएगा, 64 का डिफरेंस 16, और 16 डिवाइडेड बाय 2 योर आंसर विल बी, वही दिख रहा है ऑप्शन में, तो परंतु यही बताइए ना, परंतु यही थी ना कि इन दोनों का डिफरेंस लेके बाय 2 करेंगे। यस सर, एक बार ये बताओ कि आपको धर्म यही बताई थी कि इन दोनों का डिफरेंस लेके बाय 2 करेंगे तो मुझे रिक्वायर्ड एंगल वो मिल जाएगा। यस सर, नो? अगर देखो 80 डिग्री तो सही है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे भाई, मींस ऑप्शन इनकरेक्ट। क्लास में लोग ऑफलाइन क्लास में होते हैं, तुम सब पे डंडा बजाते हैं। एक चीज आपको क्या सिखाई, कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना, समझ के काम करना। जो चीज सिखाई गई है कोई चीज है उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला रहेगा, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते, गाड़ी वैसी चलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या था, रिमाइंड करो एक बार सवाल को, जो आप बोल रहे ना कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, माइनस बी डिफरेंस एंगल सी बाई टू, आई एग्री, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बना कब था, ये कॉन्सेप्ट कब बना था, जब आपको बोला सर एक ट्रायंगल हो एबीसी, एडी परपेंडिकुलर होना चाहिए बीसी, हमने कहा है ये दूसरी लाइन क्या होती थी उस सवाल में, उस थ्योरम में, ये तो दूसरी लाइन है ए के, थ्योरम में क्या होती थी, याद करो जरा बताओ क्या होती थी, ये तो दूसरी लाइन है ए के, ये थ्योरम में क्या रहता था, आपको बोला सर इस थ्योरम में ये ए के एंगुलर बाईसेक्टर होता था, बोलो हाँ या ना, इस सवाल में आपको बोला किसी भी तरीके से कि एंगुलर बाईसेक्टर पॉइंट है, वो रैंडम पॉइंट है,
जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तीनों साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देख रहे हैं आप, इनका OZ, OY और OX जो है तीनों भुजाओं पर लंब समद्विबाहक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो समझदार भी ये सारा काफी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कौन सा पॉइंट मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कौन सा पॉइंट मिलता है आप लोगों को, एक बार जरा बताओ, आपको भी सर ये तो फिर हो जाएगा हमारा सर्कम सेंटर, क्योंकि सर्कम सेंटर का जो फॉर्मेशन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टू होता है, एग्री, यस सर, इन्होंने बोला कि एंगल QPR, QPR 65, ये देखा आपको 65, और एंगल PQR, ये देखा आपको 60, आपसे पूछा QOR, QOR, ये एंगल, और POR, अरे ये तो सिर्फ फॉर्मेशन पर बेस्ड सवाल था, ये तो सिर्फ फॉर्मेशन पर बेस्ड सवाल था, बाकी तो सवाल में कुछ है ही नहीं, इन्होंने आपसे पूछा कि बताइए कि एंगल QOR क्यों हो जाएगा, अब अगर ये सर्कम सर्कल से ड्रॉ किया, ये आपका सर्कम सेंटर है, आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, अगर परिधि कोण 65 डिग्री है तो ये एंगल QOR कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 130 डिग्री, बस हमें ये नोट करना था कि सर्कम सेंटर है, अच्छा फिर क्या दूसरा इन्होंने बोला कि कौन सा POR, POR ये वाला क्या हो जाएगा, इसका दुगना 120 डिग्री, तो दोनों का सम 250 डिग्री, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फॉर्मेशन पता होनी चाहिए भाई जो सर्कम सेंटर है वो कैसे बनता है, सर एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, 250 का दिए चित्र में ट्रायंगल ये 20 डिग्री है, ये थीटा है, ये डी है, डी डी एंड सी बी, आपसे पूछा थीटा का मान बताइए और कुछ रखा है, बोले हाँ सर वो परिकेंद्र है, यहां पर परिकेंद्र है, वो परिकेंद्र दे रखा है, इसका मतलब सर्किल ड्रॉ कर लो, सब काम निकल, किस तरह उसका परिकेंद्र एबीसी का है और बीसी बराबर डीसी, बीसी बराबर डीसी, अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोले सर एक काम करते ना, तरीका बता समझ, ये साइड बराबर इसके तो ये एंगल पूरा थीटा, अब ये थीटा है, ये थीटा प्लस 20 है, दोनों का सम हो जाएगा 2 थीटा प्लस 20, अब अगर सर्कल बनाते हो ना, सर्कल बनाया जाए तो सर्कल कैसे बनाया जाए, जो थीटा तक पहुंचे बराबर साइड को अगर यूज कर रहे हैं तो काम बन नहीं रहा है, बीसी इक्वल टू बीसी, अगर बराबर साइड को काम में ले रहे तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, लेकिन आउटपुट कुछ निकल रहा है, थीटा वगैरह कैसे आपको, अभी हमें सर्कम सर्कल को यूज करना है सर, बिना यूज करे तो रास्ता नहीं मिलेगा, सर्कम सर्कल को यूज करना है, बिना उसको यूज करे तो रास्ता नहीं मिलेगा, ये पॉइंट ओ 20 डिग्री थीटा दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट करना है थीटा, पहुंचना यहां पे है, क्या करना चाहिए, ऐसा क्या गलत लगा, बोले सर ये हो जाएगा थीटा, ये 2 थीटा मिल नहीं बनता, क्या कर सकते, अब कुछ यूज कर ले रहे हो बस 20 यूज नहीं कर रहे, इतनी दूंगा, अब कुछ यूज कर ले रहे हो बस 20 यूज नहीं कर रहे, सवाल खत्म, यूज करो सवाल खत्म है, सवाल की इंफॉर्मेशन को यूज करना सी, भाई थीटा दिया हमने कर लिया, कैसे कर लिया, बराबर हो जाए थी, चलो भाई इसको तो यूज हमने कर लिया, यूज अभी क्या नहीं किया, 20 नहीं किया, फोकस करता हूं 20 पे, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, क्या करना चाहिए बताओ ना, शेखर, अंकित, राहुल, संजना, अमन, क्या करना चाहिए, एक लाइन और ड्रॉ करनी है, सवाल खत्म, कोई बताएगा, एनीवन, आज बोलो यार बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा, ईमानदार से देखो, ओ सर्कम सेंटर, तो अगर हमने ओ से ए को मिलाया तो ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, और अगर ये 20 होगा ये 20 40, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 140, और अगर केंद्र पर बना कोण अगर 140 है तो परिधि पर बना कोण 70 डिग्री हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, ये क्या कर दिया रे भाई, ऐसे कौन करता है, हमारा तो 70 आ रहा है, ए ओ सी ए ओ बी 140 एग्जैक्टली, और जब ए ओ बी 140 है तो ये 70 होना चाहिए, सवाल की नीड है, बी सी बी हो गया, ओह माय गॉड, बीसी दे, सॉरी ये गलती कर रहे, कौन सी बीडी को बराबर कर रहा हूं, हर बार दिमाग में बीडी चलता है, बीडी को बराबर करो, इसलिए गलत, बीसी बराबर डीसी ये गलत, बीसी बराबर डीसी ये गलत है, इसलिए गलत, सवाल में कोई कमी नहीं है, चलो इन्होंने बीसी बराबर डीसी दे, ये तो अगर ये बराबर इसके है तो आपको पता है इसके सामने ये थीटा है, इसके सामने ये थीटा है, काम हमारे फिर से वही रहेंगे, हमारे काम तो वही रहेंगे, बदलने तो हमने है नहीं, सर इसको मिलाओ इससे ये हो जाएगा 20 20 भी हो जाएगा हमारा बने 140 हो गया तो ये हो जाएगा 70, और अगर ये 70 हो गया तो अब आ जाओ ट्रायंगल बी टी सी में, एक एंगल 70 तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा 130, अगर ये 130 है तो इसका मतलब 65 डिग्री, आंसर सॉरी 130 नहीं 110, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ऑप्शन ए का है, इस लाइन को गलत आइडेंटिफाई करना, पर बीसी दादा इंडिकेट बीडी का, तो गलती करोगे तो सवाल गड़बड़ होगा, आंसर कितना जाएगा 55 सही आंसर, तो पॉइंट है कि आपको ये सोचना है कि कौन सा डाटा दिया गया, इस डाटे को हम यूज कैसे कर पाएंगे, यहां पे फोकस करना है, अब जो भी डाटा दिया गया 20 को अगर यूज नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ पाते, फोकस के 20 पे, सवाल का आंसर आ गया, अब एक सवाल ये देख,
एक फिगर आपके सामने बना है जहां पर आई आपका इन सेंटर होता है, डेफिनेटली सी आपका सर्कम सेंटर होता है, यही इंफॉर्मेशन सवाल में दिया भी होगा। इन्होंने पीआई को आगे बढ़ाने पर डी पर ये मीट कर रहे हैं, तो आपको देखा एंगल क्यूसीडी, क्यूसीडी एक्स एंगल पीक्यूआर, क्यूसीडी ये एक्स देखा है, एंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर ये पूरा एंगल आपको वाई देखा है, और क्यूआईडी इसके चौबीस ज्यादा देखा है। आपसे पूछा एक्स और वाई की वैल्यू, हम बाद में देख लेंगे, आप एक्स और वाई देख लेते, जेड को बाद में देख लें। अब जरा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं यहां पे, कि अगर ये वाई है और ये एक्स, ट्राई कर लेते क्योंकि सवाल में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, अलग से काफी कुछ करना पड़ेगा, उसमें अगर ब्लैक के अलावा और कुछ किया ना तो जमेगा, काफी कुछ ट्राई करना पड़ेगा। पहले ऐसे लगाना, फिर उसके सवाल को बर्बरी सॉल्व करने का तरीका भी बता, और वो तरीका रहेगा जो आप पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना हो, सबसे पढ़ गए पढ़ गए, बस तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल में, लेकिन तुम पढ़ चुके हो। याद रखा उन्होंने क्यू सी डी, ये एंगल दे रखा है एक्स, क्यू सी डी आपको दे रखा है एक्स, और क्यू आई डी ये एंगल दे रखा है जेड, उसके बाद में एंगल पी क्यू आर ये एंगल दे रखा है वाई। अब बताओ ये सेंटर है, सवाल तो खत्म, सवाल तो खत्म, पॉइंट पकड़े, कौन सा पॉइंट है? बोले सर अगर हम बात करें यहां से कि एंगल आर्क क्यू डी में, आर्क क्यू डी में बात करें तो आपको सर केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होता है, तो अगर ये एक्स तो ये एक्स बाई टू, यस और नो? और चूंकि ये इन सेंटर से होकर जाएगा तो इन सेंटर से लाइन कब जाती है, एंगुलर बाइसेक्टर होता है, तो अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है पी आई डी, अगर एंगुलर बाइसेक्टर है, अगर ये एक्स बाई टू है तो ये भी एक्स बाई टू, यस और नो? ये भी एक्स बाई टू, दैट मींस एंगल पी इज इक्वल टू क्यू, पी इज इक्वल टू एक्स, एंगल क्यू इज इक्वल टू सर वाई। अब जेड पे रिसर्च करो, अब जेड पे रिसर्च करो, सर जेड क्या है, जेड के बारे में सोचना क्या है? अब जेड इन सेंटर पे है तो काम तो इन सेंटर से ही बनेगा, जेड अगर इन सेंटर पे बैठा है तो काम तो इन सेंटर से ही आएगा, हमें सर्कम सेंटर दिया गया हमने यूज कर लिया, काम तो हमने इन सेंटर को भी यूज कर लिया, लेकिन अब हमारे पास और भी इन्फॉर्मेशन है भी तो नहीं, तो हमें इन सेंटर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि जेड अभी हमें नहीं मिला है। अब जेड के बारे में सोचो कि जेड क्या हो सकता है, कोई भी बताए सोचे कि जेड क्या हो सकता है, सोच के बताओ, सामने दिख रहा है, बस पॉइंट पकड़ना है, कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सारा कुछ ड्रॉ रखा है, सामने रखा है, बस एक पॉइंट पकड़ना है, फोकस आई पे करो और प्लीज बताओ क्या है जेड, दो पॉइंट यूज होने, दोनों बराबर यूज हो जाएंगे, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, आंसर सीधा टिक कर जाओगे, कोई तो बताइए, ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा, दो पॉइंट है, दो पॉइंट यूज करने, बराबर यूज हो जाएंगे, पेन नहीं चलाना है, और बस वो दोनों पॉइंट, दो थ्योरम्स है, एक सवाल में कई थ्योरम्स लगेंगे यार, दो थ्योरम्स लगानी है, सवाल में बराबर लग जाएंगे, फिर आंसर भी बराबर पहुंच जाएगा, बिना कोई पेन चलाए, एक बार कैलकुलेट करो, आंसर लिख देता हूं, बताओ बच्चा क्या लगेगा, दो थ्योरम्स लगनी है, छोटी छोटी सी है, एकदम मासूम सी, नहीं पता तुमको, मना कर दो, जब नहीं पता होगा तो बैठना करो, मना कर दो, तो सर नहीं आ रहा, प्लीज बताइए, तो उससे क्या टाइम क्यों नहीं होगा, अच्छा आंसर कमेंट कर, देख ही रहा था, टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स, ये तो कहां से लिखा है, नहीं पता है, जेड बराबर एक्स, ये कहां से आया, अरे हटा यार, ये आर्क नहीं है, ये आर्क का सेंटर से और सर्कमफेरेंस से रिलेशन होता है, ये आई ना सेंटर पे है ना सर्कमफेरेंस पे, तो ये तो काम खत्म हो गया, बाकी ये जो अंकित ने भेजा हुआ है z टू z इक्वल टू x प्लस y, ये आया कहां से, अंकित सही जा रहे हो तुम, ये जो तुम लेके आए हो निकाल के सर 2 2z इक्वल टू x प्लस y बिल्कुल सही है, आया कहां से, दो पॉइंट लगेंगे यार, कौन सा पॉइंट है, देखो यार आई क्या है, बोले इन सेंटर, आई ट्रायंगल पीक्यूआर का इन सेंटर है, इन सेंटर कैसे बनता है, सर एंगुलर बाईसेक्टर से, तो इफ q इक्वल टू y डिग्री सो एंगल pqi इज इक्वल टू y / 2, एक थ्योरम दे, दूसरी थ्योरम, अब आपको पता है ये आपका y / 2, ये है x / 2, पर z क्या है, सर एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल pqi का, ट्रायंगल PQI का एक्सटीरियर एंगल है अगर z, तो आपको सर z इक्वल टू हो जाएगा x / 2 plus y / 2, तो दैट 2z इक्वल टू x plus y, अंकित बिल्कुल सही तुम्हारा रिजल्ट था, अब अगर 2z इक्वल टू x plus y है, तो अगर 2z इक्वल टू x plus y रखोगे, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे आंसर, तब तुम्हें सवाल के साथ थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सवाल लगेगा कहां से, सवाल पॉइंट बताएगा कि तुमने कितना तुम्हें बताया है, अब जितना बताया निकालोगे तो उतने में सही, बाहर से तो कुछ लेके नहीं आएंगे ना, निकालना तो उतने से ही पड़ेगा ना, मैं तो ये चीज ध्यान रखो, क्लियर ना, अगला सवाल, दो पॉइंट है, कौन कौन से दो पॉइंट है, मैंने बार बार बोला दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये लग रहा है इन सेंटर वाला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट एक्सटीरियर एंगल लग रहा है, दो पॉइंट के बाद बराबर याद लगा के दिक्कत है, बात बोल रहा था, और ये बार
को बताइए इन सेंटर पर फोकस कर सकूं, वहीं से तो चीजें बनेंगी। जेड चाहिए और जेड इन सेंटर पर रखा हुआ है तो इन सेंटर से तो चीजें मिलेंगी हमें। इतना हिंट मार देता हूं आपको डायरेक्टली कि आप कुछ भी निकाल सकते हो यहां से डाटा, बट फिर भी चुपचाप बैठे रहोगे। तो अभी सवाल दिख रहा है, अभी एक सवाल है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एबीसी 30 डिग्री, डेफिनेटली 30 डिग्री, फिर उसकी परिभ्रज्या और भुजा बीसी का अनुपात। ये तो सवाल है, ये तो टाइम पास है। आपको एक रेशियो दिखाया था एंगल के अकॉर्डिंग, पर सॉरी रेशियो कुछ ऐसा था कि अगर 30 60 90 में है तो 30 के सामने की भुजा 1, 60 के सामने की भुजा रूट 3, 90 के सामने की भुजा 2। ये रेशियो आपको लिखाया 45 45 90 1 1 रूट 2। ये रेशियो आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भयंकर यूज होगा। एक का दूसरा इन्होंने क्या परित्रिज्या, परित्रिज्या के लिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो सर्कम सेंटर कहां होगा, मिड पॉइंट पर, ये तो मिड पॉइंट पर होगा। और परित्रिज्या क्या होती है, सर हाइपोटेन्यूस का आधा तो परित्रिज्या कितना हो जाएगी, 1, मिड पॉइंट पर 1 1 1। उन्होंने पूछा कि त्रिभुज की सर्कम रेडियस मतलब 1 और भुजा बीसी मतलब रूट 3 का रेशियो क्या है, सर 1 रेशियो रूट 3। ये 1 रूट 3 लिखा दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में ये 1 रेशियो रूट 3 होगा, क्योंकि 1 रूट 3 तो हमारे यहाँ कोई नहीं लिखता, क्या लिखा होगा 1 रेशियो रूट 3, 1 रेशियो रूट 3 इस तरीके से लिखा, ये लिखा हुआ 2 रेशियो, ऐसा कुछ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, क्लियर सभी को, 1 रेशियो रूट 3 एग्जैक्ट। बस कुछ नहीं चाहिए, जितना सिखाया हुआ है मैं एक बार कितने बार बोल चुका हूँ, तुम्हें जितना सिखाया गया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, हमें इन चीजों को सही तरीके से सीखना है और अप्लाई करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस भयंकर करके इस प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ना। चलो पीक्यू आर एस है, एस ये आर 17 सेंटीमीटर, एस आर पी 116 डिग्री, ये हो गया, ये पी है 116 डिग्री, लगभग टू फिगर ऐसे बना, हमें एसआर दिया गया, एसआर खींचा, एसआर से रिलेटेड एंगल ये एसआर पी एसआर, तो पी एसआर 116 होगा। अब क्या बोले, पी क्यू आर 122, अब क्यू एंगल कैसा बनाने जो 122 का हो और लोगों को मिल जाए, ये हो जाएगा क्यू और 122 और मुझे बोले क्यू एस की लंबाई पूछी, ये लंबाई पूछी, ये तो बीच पर सवाल, सवाल में इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं दे रहे, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, एक इंफॉर्मेशन गायब है, एक इंफॉर्मेशन गायब है, अब या तो वो एंगल से रिलेटेड हो या क्वाड्रेंटल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन तो गायब, क्लियर, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में, एक इंफॉर्मेशन गायब, रीजन बताऊं आपको समझा देता हूं इंफॉर्मेशन कैसे गायब है, कैसे जज कर लिया कि इंफॉर्मेशन गायब है, देखो एस आर 116 डिग्री, ये इतना इन्फॉर्मेशन हमने पी को लगभग यहाँ पर माना 122 डिग्री का एंगल रखने, अब अगर हम आपसे बोले कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ, ये लाइन कितनी लंबी ले जा सकते हो, सर यहाँ तक भी ला सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, यहाँ तक सुनना बात, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, यहाँ तक भी गए, अब बताओ क्या क्यू एस सेम है, क्या क्यू एस सेम है, यहाँ की क्यू एस अलग है, यहाँ की क्यू एस अलग है, आपसे पूछा है, लेकिन क्या कुछ बनेगा रिक्वायर्ड, तो आप लोग हाँ सर अब हमें चाहिए पी क्यू आर बराबर 122, तो अब इस पर 122 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, लगभग ऐसा कुछ जाएगा और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फाइनली कहीं ना कहीं जाएंगे, ये बन गया बदल गया तो बस फिर उसको छोड़ो, समथिंग मिसिंग है, एग्जैक्टली कुछ सोच नहीं रहा उसमें, इसको गाइड कर दे उस लाइन से ना, त्रिभुज के परिवर्तन का क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिवर्तन का क्षेत्रफल ऐसा कुछ रखा है, पर सेंटीमीटर क्या जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6 8 10 है, लो 6 8 10 है, बराबर लिख लो इसको 6 8 10 है, बोले सर राइट एंगल ट्रायंगल, हमने कहा ठीक, सर्कम रेडियस बोले सर 5, गुड, हमने कहा एरिया बोले सर पाई आर, 550 चक्र में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एस इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 10 एसी 6, ए बी इसकी त्रिज्या क्या होगी कोई बताए,
तो यहाँ पर एक गणित मत लगाते, पूछो कौन सा। बोले सर जी आप सिखाए थे 10 × 6 = 8 और BC × 4 तो BC = 15। किसी के दिमाग में आया ऐसा कुछ कि सर BC = 15? किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आया BC = 15? BC = 15 सबका रेडियस साइज ऑप्शन कोई है ऐसा कोई महान बात तो हमें इस कुछ नए टाइप के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवा सकते हैं जो भी हमें लगेगा। क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? आपको ये सारी चीजें क्यों बताता हूं? जिससे आप लोग सोच सको, जितना आप सोचोगे थ्योरम को जितना कुछ करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कर सकते हैं या नहीं? यस और नो, ये बताओ क्या हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट लगाया ना 10 × 6 = BC × 4, ये तब लगता है जब ये परपेंडिकुलर बने हैं, ये भी परपेंडिकुलर, BAC भी परपेंडिकुलर होता तब वो कॉन्सेप्ट लगता है। सवाल उस जैसा फिगर दिखने से कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, डाटा होना चाहिए हमारे पास में, तो इसलिए ये नहीं लगा सकते हम। ठीक है, इसलिए हम ये कुछ नहीं लगा सकते। अब क्या करें भाई, जब ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाए? तो हम क्यों ना एक काम कर लें, ये चेक करो कितना आप कहोगे सर यहां से आ जाएगा BE = 100 - 16, 84। तो ये आ जाएगा आपका यहां से BE = 2184 / √21। इसी तरीके से सी की चेक करो आप लोग सर 36 में से 16 जाएगा 20 आ जाएगा 2√5। ये सर दैट मींस BC = आप कहोगे सर यहां से अगर BC की बात करेंगे BC = 2 √5 + √20। अब क्या करना है? बोले सर अब एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि R = ABC/4 डेल्टा। डेल्टा आराम से निकालेंगे, बेस हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है, तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी है। काम बहुत आसान, काम बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा करके दिखाओ, अभी करके दिखाते हैं। R = आ जाएगा ABC/4 डेल्टा। डेल्टा = मतलब 2a, अगर a के सामने पूछा a, c के सामने पूछा c, b के सामने पूछा b, तो डेल्टा = a * 4 / 2 दैट मींस 2a। तो डेल्टा की जगह पे आप रख दोगे 2a, तो ये आ जाएगा आपका BC/8। BC क्या है? मतलब b के सामने पूछा 6, c के सामने पूछा 10, 60/8 दैट इज इक्वल टू 7.5। दिस इज द रियल सॉल्यूशन। जो हमने BC = 15 मान के लगाया था, आंसर भले सही आया हो, सवाल गलत। रीजन, क्योंकि अगर हमने BC = 15 निकाला, इसका मतलब निकाला कैसे, कौन सी थ्योरम से? बोले सर परपेंडिकुलर है, इसलिए 15 वाला कांसेप्ट लगाया। बट अगर आप 10 और 16 पे कैलकुलेट करोगे 15, इसलिए BC = कांसेप्ट गलत था। आंसर जरूर सेम आया, लेकिन सही कांसेप्ट नहीं है। समझ में आई सबको? तो देखिए, जब आप प्रॉपर कांसेप्ट के थ्रू काम करते हो ना, तो चीजें जरूर तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट तो धीमे धीमे इस वे पे काम करते हो तो सवाल कैसा भी आए फिर आप ये करते देंगे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और जब लड़का कांसेप्ट सीख जाता है, कांसेप्ट कहां गलत होगा कहां सही होगा, जब ये सारी चीजें सीख जाता है, उसके बाद फिर उसका सवाल कभी गलत। बात समझ में? जब भी कोई कांसेप्ट लगाओ, मैंने हमेशा एक ही चीज तुम्हें सिखाई है, कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, बस ये बोलता हूं। और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई तुम्हें खुद मिल जाना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिल रहा है, सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं। बात समझ में? आज का सेशन बस इतना रखेंगे, इसके बाद में एक चीज वो करके रिमाइंड करा दे रहे, मतलब करके लिए 1 अप्रैल से इसके लिए प्रिपेयर रहना। ये 1 अप्रैल से आपकी जो बैचेस टाइमिंग है वो ये रहेगी, 2 बैच रहेंगे। कैसा प्लान है स्टार्टिंग वीडियो में आप देख लेना, जो भी बच्चे लेट आए, तो ये सारी चीजें आज का सेशन यहीं पर ओवर करेंगे। कोशिश करेंगे आपको मॉर्निंग में क्लास 1 अप्रैल से पहले भी प्रोवाइड कर सके तो कर ले। ठीक है, तो प्रैक्टिस लोग कर जाओ, प्रैक्टिस और ज्यादा मजेदार करेंगे। कल कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेडिटल भी कॉन्सेप्ट करेंगे। कल क्वेडिटल भी पढ़ेंगे, आपको कल कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कल क्वेडिटल के कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेडिटल कुछ नहीं है, ट्रायंगल पढ़ेगा। अगर ट्रायंगल पूरा समझ में आता है, क्वेडिटल मैक्सिमम 30 मिनट का टॉपिक है, हमें सिर्फ इतने सारे 4-5 क्वेडिटल को डिफाइन करना है। स्क्वायर क्या होता है? 4 भुजाएं = 4 एंगल = स्क्वायर। इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने, क्वेडिटल खत्म, फिर बस क्वेडिटल की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब प्रैक्टिस ही ज्यादा चलेगी, सिर्फ सर्किल में आपको जरूर एक या दो दिन आपको समझ जाएगा, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करना। जितना कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में भयंकर कॉन्सेप्ट भाई होता है, सर्किल में भी ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, एक लेक्चर लगेगा मैक्सिमम, और हो सकता है उसी लेक्चर में प्रैक्टिस हो जाए। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके ट्रायंगल में ज्यादा निपट चुका है, तो ज्योमेट्री आपका इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस। अब एक रिप्लाई आप सभी लोगों से चाहिए, जो आप लोगों को ऐसा लगता है लास्ट में एडवांस कराएंगे, कैसे 1 महीने में कर पाएंगे, जल्दी करेंगे, ये करेंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या आपको किसी को भी ऐसा फील हो रहा है एडवांस अच्छे से नहीं कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट को मतलब कोर्स को जल्दी जल्दी बस पूरा कराने के कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। आपको पहले बताया यहाँ पर तो कोर्स पूरा करने आई नहीं, सिलेबस पूरा कराना यहाँ पर टारगेट नहीं, अगर सिलेबस पूरा कराना होता तो आप लोगों की क्लासेस मई महीना लगाती, आप प्रैक्टिस भी करोगे तुम हम लोगों का बात हुआ तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का फंडेशन में टॉपिक कंप्लीट जो आपको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टारगेट सिलेबस कंप्लीट कराना है, टारगेट है स्कोर कराना। स्कोर कैसे? किसी को परेशानी दिक्कत समस्या कोई भी, अभी बैटरी लो रही है, बैटरी अभी जा भी सकती है, मेरा भी हो जाएगा है ना। सो आज के सेशन में यहीं पर रुक रहे और कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। आज से हमारे बच्चों की क्लास है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में हम लोग लाइन एंगल पढ़ रहे थे, एंगल की प्रैक्टिस वगैरह सब कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ रूल्स वगैरह समझेंगे और बैक टू बैक सभी जितने भी रूल्स हैं इनको कंप्लीट
कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे, क्लास पॉलिसी पढ़ी जाएगी और उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट
डायगनल मीट करेंगे, जो डायगनल है इसके ये कहां पर मीट करेंगे, 90 डिग्री पर मीट करेंगे, मिड पॉइंट पर डायगनल मीट करेंगे। कोशिश करता हूँ समझने की कोशिश कर, हम लोग को डाउट ही रहता है एक चीज़ की क्लियरिटी, ए बी पैरेलल टू सी डी।
दूसरा हम लोग को डाउट जो रहता है वो ये रहता है कि AD इज इक्वल टू BC, ये पॉसिबल ये जरूरी ये कंपल्सरी है, ये जरूरी नहीं कि बराबर ना भी बराबर हो तब भी वापस समझ समझ जाएगा कैसे समझो इसे अगर मैंने फिगर बनाए अब ये फिगर के समझ समझ नहीं है क्यों क्योंकि समझ समझ की प्रॉपर्टी होती है ऊंचाई बराबर होती है तो कुछ ऊंचाई बराबर ये समझ समझ नहीं आप सोचो सर यहां पर ऊंचाई कम है अरे मेरे भाई ऊंचाई पैरेलिटी बनाते हैं इस तरीके से पहले मैंने तो हाइट निकालना सिखाया था ना जब आपको ऑप्टिमल ट्रायंगल सिखाया ऑप्टिमल ट्रायंगल में हाइट कैसे बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं ये हाइट तो समझ समझ पैरेलल होना कंपल्सरी है बट सेम ना ये दोनों इन दोनों साइडों सेम होना कोई कंपल्सरी नहीं है हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लाइन इससे पैरेलल है तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा जैसे एंगल थी प्लस एंगल डी तो लाइन आपको पता है कि ऐसे अगर कोई लाइन काटे तो दोनों एंगल का सम 180 होता है इसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी इसका सम भी 180 हो जाएगा ठीक है इसके अलावा दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उस पॉइंट पे उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सवाल किस पॉइंट पर पूछा जाता है किस पॉइंट पर पूछा जाता है ये हमने ले लिया एबी ये सीधी हमारा ट्रेपेजियम है हमने आपसे कहा यहां से काम करो इनके डायगनल को भी करो मैंने डायगनल बी पॉइंट पर लिखा ये एंगल बराबर होगा क्योंकि सीडी पैरेलल टू एबी है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के राइट फिर ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर है इस एंगल के इसका मतलब आप ये कहोगे ट्रायंगल एबीबी सिमिलर है ट्रायंगल ए जैसा कौन सा एंगल सीपीबी है तो यहां से अगर हम लाइंस को अगर चेक करें रेशियो अगर कैलकुलेट करें रेशियो कैलकुलेट करें तो अगर हमने यहां पर लिया एबी तो यहां पर मिलेगा सीपी यहां पर मिलेगा पीबी यहां पर मिलेगा पीडी ये रेशियो बराबर होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एपी * पीडी इक्वल टू बीपी * बीसी ये सारे वाले मेटल पीस पे टीचर करेगा आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि इसको बोलने के लिए साइड 3 है ये x + 5 है ये वाली 2x + 1 है और ये वाली x - 2 है x की वैल्यू फाइंड करो बताया गया पूछा गया तो आपको क्या करना रहेगा आपको सिर्फ इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और इन दोनों साइड का प्रोडक्ट इसे मिलेगा हमेशा AP * PD बराबर होगा PP * CP कहां से आया पूछा सिमिलरिटी से एक पॉइंट क्लियर समझ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार लगाने वाला पॉइंट है ध्यान रखना ये स्टार लगाने वाला पॉइंट एक पॉइंट और है इस तरीके से ट्रेपेजियम बनाया हमने इस तरीके से इनके मिला दिया डायगोनल ABCD और डायगोनल के मिड पॉइंट सर्कल जो है वो गोल शेप का है सर्कुलर शेप का फॉर एग्जांपल अगर हमने इस तरीके का सर्कल लिया और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके छोटे-छोटे से पार्ट काटो तो
वैसे तो स्कर दिखाई पड़े लेकिन छोटे स्पाइक कटिंग बिल्कुल छोटे छोटे से ना जब हम लोग और पोस्टीरियर डाउन डी लंबाई बिल्कुल ना के प्रॉब्लम तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन के तरीके तो उन्हें हम साइड मान लेते हैं तो ये कितनी साइड के साथ होता है वैसे विद इनफाइनाइट साइड अनगिनत साइड वाला रेगुलर पॉलीगन पे सर्कल और ये होता है तीन साइड वाला तीन साइड बस और ये इनफाइनाइट साइड के साथ रेगुलर पॉलीगन डेफिनेशन इनके अलावा देखो डिवीजन अलग-अलग तरीके से किया गया रेगुलर पॉलीगन का डिवीजन अलग-अलग तरीके से किया गया रेगुलर पॉलीगन का मतलब एक भी एंगल पॉलीगन में चीजें कौन कौन सी हैं किन चीजों पे हम बात करेंगे पॉलीगन में किन चीजों पर हम बात करने वाले हैं उनको जरा बोल देते हैं पॉलीगन में सबसे पहले आता है साइड फिर आता है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल राइट ये चार चीजें ऊपर नहीं रहेंगी अच्छा एक बात ध्यान जैसे अगर मैं आपसे बोला एंगल एबीसी एबीसी एंगल मैंने ले लिया और आपको यहां पर दिखा जाए आपको सर साइड कितनी होती है 1 2 इंटीरियर एंगल कितना है इंटीरियर एंगल
डायगनल ड्रॉ करते हैं स्क्वायर के, कैसे ड्रॉ करेंगे डायगनल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पॉइंट लिया, हमने डायगनल ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, चार, स्क्वायर तो चार वर्टेक्स हो गए, अब अगर इस वर्टेक्स को उठाए तो क्या इस वर्टेक्स से इसी वर्टेक्स पर डायगनल ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, किसी और वर्टेक्स पर ड्रॉ कर सकते, सेम वर्टेक्स पर डायगनल नहीं ड्रॉ कर सकते, क्या इस वर्टेक्स से आप इस वर्टेक्स पर डायगनल ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रॉ भी किया तो वो साइड हो जाएगा डायगनल नहीं, क्या इस वर्टेक्स पर डायगनल ड्रॉ कर पाएंगे, ये भी साइड हो जाएगा, तो मतलब ये है पॉइंट ये समझने वाला कि जिस भी पॉइंट से या जिस भी वर्टेक्स से अगर हम डायगनल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वर्टेक्स और उसके साइड वाले दोनों वर्टेक्स पर डायगनल ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब तीन पॉइंट से डायगनल ड्रॉ नहीं हो सकते, बाकी क्या बचा, ये पॉइंट बचा तो ये आप डायगनल करते हैं, सेम ऐसे इसके साथ भी हो जाएगा, इस वर्टेक्स से अगर ना इसको मिला सकते हैं इसको मिला सकते हैं, अब इस वर्टेक्स से अगर देखें तो आप इसे नहीं मिला सकते, इसे मिला सकते, लेकिन ये एक डायगनल जा सकते हैं, और उसी तरीके से ये डायगनल जा सकते हैं, आप उसे ये तो रिपीट करें डायगनल, कोई बात नहीं, जब जो भी सिखाया बस उसको क्या सिखाया, और जिस भी वर्टेक्स से डायगनल ड्रॉ करना है उस वर्टेक्स और उसके आसपास वाले दो वर्टेक्स पर डायगनल ड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी सब जगह कर सकते हैं, इस पर नंबर ऑफ डायगनल कितना है, नंबर ऑफ डायगनल
ब्रीदिंग का स्पीड ब्रीदिंग बोला एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले लाइन बनाते हैं क्या पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में हम लोग लाइन पॉलीगन ट्रायंगल क्वाड्रेट सपोर्ट फिर सर्किल बच्चों में सर्किल के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करनी है ठीक है क्योंकि सभी के दिमाग में अभी बातें चल रही हैं ये चीज़ उस तक घर भी लग चुकी है कि हाँ आप लोगों में कितनी बातें चल रही हैं और जरूरी भी चलना भी चाहिए दिमाग दिया है भगवान ने चलना चाहिए सबसे पहली चीज की जो आपका ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर हमें ग्रुप से को बाहर कर दिया क्या हमने कुछ किया क्या नहीं सबसे पहली चीज की जो आपका ग्रुप बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि आप सब लोग मिलकर उसमें ग्रुप बिस्टिंग मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करें कोई भी चीज अगर नहीं आती है तो आप उससे भी डिस्कस करो इसलिए उसमें मैं भी ऐड मेरा नंबर था सारी चीजें लेकिन इसलिए कुछ ऐसे देखा हूँ कि उस ग्रुप में पढ़ाई के अलावा बाकी सब और अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज करी जा रही है ऐसी लैंग्वेज जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँ बिल्कुल भी तो इसलिए मैंने उस ग्रुप से कुछ लोगों को नहीं हटाया मैंने वो ग्रुप ही बंद कर दिया है उसमें एक ग्रुप को नहीं हटाया वो सभी लोगों को हटा दिया प्रॉपर्टी क्लोज तो उस ग्रुप में लेकर क्या टेंशन लेना बाकी नंबर मेरा आप सभी लोगों के पास वही है तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे आपसे कुछ तो मैसेज करो उस नंबर पे कोई भी आपकी बात है तो आप मेन चीज़ है कि ग्रुप स्टडी के ग्रुप बनाए थे वो आप कर रहे थे फिर आपके लिए ग्रुप का पर्पस क्या बचा कि हमसे बात करें तो हमसे बात करने के नंबर है मेरा आप वहाँ पर मैसेज करो क्लियर कॉल वगैरह करोगे तो उसे कैसे टाइम रिस्पॉन्स नहीं होगा और आप मैसेज ड्रॉप करो आज से आपके मैसेज करो रिस्पॉन्स वहाँ दिया पहली चीज दूसरी चीज क्लासेस वगैरह करके मैंने आपको पहले बताया कि हम कम टाइम में ज्यादा आउट करते हैं रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए रिकॉर्डेड वीडियो में बातें कम होती हैं इधर उधर की चीजें कम आती हैं तो पॉइंट क्या रहता है वहाँ से कि जब आप मेरा मतलब बात नहीं करो तो ज्यादा काम कर पाओगे कम टाइम इसलिए आप रिकॉर्डेड वीडियो का साथ सेशन के लिए लगा गया इवन ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा आपकी क्लास इससे पहले मैंने तीन दिन में कम से कम पांच वीडियो रिकॉर्ड की थी आपको ज्यादा क्लासेस देखो हर बनी चलती सर्किल की वीडियो चुकी थी और जो मेरे प्रैक्टिस सेशन चार वीडियो रिकॉर्ड करते वो वीडियो देने के बाद में जब आपको दिया गया तो आप तक पहुंचे क्लास को हमने तो मतलब आप तक आउट नहीं पहुंचा नोट आपका फॉल्ट नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग भी काम ही आप हमें कई अच्छे अच्छे वर्ड बोले उस पर ऐसे नहीं होगा काम करते मुझे बताइए मुझे कैसे बताइए लेकिन एक बार जाने की कोशिश करते सर्कम्फ्रेंस पर बनने वाला एंगल का दुगना होता है अगर ये सर्कम्फ्रेंस पर एक्स है तो उसी आर्क द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा वो दुगना होगा 2x
अगर आर्क पर एंगल बनाने की बात आ रही है तो इसका मतलब एक और पॉइंट ले लो फिर। अगर हमने कोई एक सेम आर्क ले लिया, कोई भी एक आर्क ले लिया, तो उस आर्क से आप सर्कमफेरेंस पर कितने भी एंगल बना दो, ये सब के सब एंगल सेम होंगे। ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, सब के सब एंगल सेम रहेंगे अगर सेम आर्क है। पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा देखते हैं, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने आर्क से दूसरे साइड पर एंगल बनाया, ये बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका नाम दे रखा है ओ, ये सी दे दिया, ये दे दिया, अब मैं पता है यहाँ से कि ए बी सी डी साइक्लिक पॉलीगन है, ए बी सी डी साइक्लिक पॉलीगन है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 180 माइनस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये सभी पॉइंट अब इसके अलावा देखते हैं। सेंटर से 10 मीटर दूर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, और पी पॉइंट से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है, तो ए बी ये 4 हो जाएगा और ये बी भी ये 12 हो जाएगा, ये ए बी बराबर 12 और ये 4। आपसे पूछेंगे इसकी रेडियस फाइंड करो, ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, दोनों पॉइंट को मर्ज करो, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला काम हम यहां पे ये करेंगे कि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें,
ये कॉर्नर वाले पॉइंट पर हमें टेंजेंट नहीं पता है, ये पॉइंट हमें ले लेती है, तो हम क्या बोलते हैं कि PT स्क्वायर इक्वल टू PB का PA 12000 गुणा ये हो जाएगा 16464, इसका मतलब PT इक्वल टू 8। अब PT बराबर 8 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, OB बराबर 10 दिया गया है, सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री, ट्रिपलेट लगाएंगे तो रेडियस निकल के आएगी 6 से। ये सवाल आंसर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया था, पर अब समझ में इसको क्लियर। अच्छा इसके बाद में कुछ चीजें और देख लेते हैं, तो एक ही प्रकरण वाला तो हो गया है, ये भी हो चुका है, अब ये भी हो गया, ये हो गया मेरे हिसाब से तो लगभग आपकी जो सिंगल थ्योरम बनती है जो नॉर्मल थ्योरम बनती है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद थोड़ी सी और थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस रहेंगे, थ्योरम तो शायद बेसिक थ्योरम जितनी भी है वो सारी कंप्लीट हो चुकी, जितनी भी थ्योरम है वो तो सारी कंप्लीट हो गई है। अब स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस टेंजेंट का जो टेंजेंट बारे में ये तो बता कि सर्कल को टच करने वाली साइड टेंजेंट होती है सेंटर के साथ, मतलब रेडियस के साथ 90 डिग्री पर, इस पॉइंट पर मीट कर ली। अब इसके बाद में टेंजेंट को एक ये पॉइंट रहता है कि बाहर हम किसी पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, ये बड़े बड़े सर्किल की
ये बराबर कर ही चुके हैं, इसका मतलब ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल O। इस पॉइंट पर भी कई चीजें। अच्छा, जब कॉमन टेंजेंट की बात कर चुके हैं तो कुछ उससे रिलेटेड कॉमन टेंजेंट दो तरीके के होते हैं, एक इस तरीके की और एक क्रॉस तरीके की। उनकी लंबाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लंबा थोड़ा सा फॉर्मूला भी आपको दिखाई यूनियन के सेंटर आपको दे देंगे आर वन आर टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये तीन चीजें आपको देकर आपको देना, एक वीक से आपको देना शुरू कर दिया, हमारा टाइम आपको नहीं, हमें तो मेहनत किया आपका आउटपुट
आपने सर को बोलोगे सर कितना सूट कर चुका बोलोगे पहुंचे बोले नहीं सर नहीं पहुंचे अच्छा अभी आप कैसे सही बोले सर नहीं देखा जाएगा पता वीडियो कैसे उसी जगह अपलोड करें होता है टेक्निकल चीज आगे से नहीं होगा आगे आपको डेली एक वीडियो आपके टाइम पर मिलेगी और ये वाली वीडियो तो छोटी सर्विस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैं डिस्कस नहीं करता था वैसे आपकी प्रैक्टिस वीडियो तो कम से कम डेढ़ दो घंटे क्योंकि आगे रहेगा मिनिमम 50-60 क्वेश्चन आपको कवर कराते हैं बड़ी प्रैक्टिस कराई जाए और चीजों को जल्दी से आगे अच्छी पैटर्न एक्सपीरियंस नहीं आएंगे बड़े लेवल के बड़े टाइम के आएंगे ये सब चीजें रहेंगी तो अरे मत होना एक हफ्ते का टाइम था एक हफ्ते बाद हम आपसे पूछेंगे अभी भी प्रॉब्लम है उस टाइम पर मैं आपसे एक हफ्ते के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम है और फिर हम रिप्लाई देना